रॉबिन अब डीमन मून लूटस उस 5 जीन चेन वाले कर्नल को देकर भाग चुका था और वो कर्नल भी उसे खजाना समझकर अपने कमांडर के पास एक जीन रिसोर्स के रूप में ले आया था। हालांकि जश्न मनाते हुए ही अब उन्हें अपने आसपास जंगली जानवरों के आने की आवाज भी आने लगी। ये कैसी आवाज है? सभी कमांडर्स और जनरल्स ने मुड़कर देखा। वो गड़गड़ाते शरीर नजदीक आते जा रहे थे, पेड़ गिर रहे थे और छोटे मोटे जंगली जानवर तो रास्ते में ही मारे जा रहे थे। वो चारों जंगली सांप एक साथ रेंगते हुए अब चीखे निकाल निकाल कर जंगल में अपना रास्ता बनाते जा रहे थे, क्योंकि वो डीमन मून लोटस अब मैच्योर हो चुका था। ये जानवर तो उस रेबल के एक जनरल का तो बात खत्म होने से पहले ही मुंह सूखा पड़ चुका था। जंगल में से चार बड़े बड़े जंगली सांप रेंगते हुए आ चुके थे और अपनी खूनी आंखों से कमांडर की ओर घूरे जा रहे थे। उन्होंने अपना बड़ा सा मुंह खोला और फिर कमांडर के चेहरे पर एक बदबूदार सांस छोड़ी। अरे चुप रे साले! कमांडर जारिफ ताहिर को ये तो पता था कि हाई लेवल के खास जानवरों के पास इंटेलिजेंस हुआ करती थी। अब वो जानवर शब्द का मतलब डायरेक्टली तो नहीं जानते थे, मगर उस जनरल का नीचा दिखाने वाला बर्ताव इन जंगली सांपों को जरूर से ही गुस्सा दिला देता, इसलिए ही कमांडर ने उसे चुप रहने को कहा। कमांडर जारिफ ताहिर नर्वस हो चुका था, क्योंकि उसके पीछे ही ड्रैगन और दानव शेर के एसेंस खून को बनाने का फॉर्मेशन बना हुआ था। अगर वो इस फॉर्मेशन को छोड़ वहां से भाग जाता तो होजॉग सेंचुरी की 10 सालों से भी ज्यादा की मेहनत का ये सेटअप यूं ही बर्बाद हो जाता। सारे ट्रैप्स, फॉर्मेशन के सामान और जितनी भी मैन पावर लगाकर उसने फिलहाल इस काम को अंजाम दिया था, अगर अब वो खाली हाथ वहां से भाग पड़ता तो उससे होजॉग शेल्टर में भी काफी हलचल मच जाती, सवाल उठते और आखिरी में अलग अलग ग्रुप के बीच ही एक जंग शुरू हो जाने वाली थी। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, कमांडर जारिफ ने विजडम से भरा चेहरा बनाते हुए अपने आसपास के जनरल्स की भी बेचैनी को भी शांत किया। वैसे तो उसकी भी अंदर से दिल की धड़कनें जोर जोर से चलने लगी थी और फिलहाल शांत रहने का सिर्फ नाटक ही कर रहा था। उसने इस जंगली सांप के लाइमस्टोन जंगल में होने की पहले रिपोर्ट तो देखी थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि अचानक वैसे ही एक नहीं बल्कि चार चार जंगली सांप वहां पर निकल कर आ जाएंगे। और तो और ये ड्रैगन दानव शेर का एसेंस खून तो इन जंगली जानवरों के लिए कुछ काम भी नहीं आता था, और आता भी हो तो इतना तो जरूर नहीं कि उसके पीछे ये चारों सांप जंगल छोड़कर यहाँ लड़ने ही आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ड्रैगन दानव शेर और जंगली सांप आपस में खून की वजह से दूर के रिश्तेदार थे? कमांडर जारिफ ताहिर का दिमाग फिलहाल सभी तरह के विचारों में घूम चुका था। हालांकि तब भी उसे जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर और उन जंगली सांपों के पास आकर जोर से बोलना पड़ा। चारों सांप शहंशाह, आपकी यहाँ हाजिरी से हमें बहुत खुशी हुई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी क्या परेशानी है? हाँ, अगर खाने की कुछ कमी हो तो हमारा फॉलआउट शेल्टर आपको फिलहाल इतना खाना तो जरूर दे सकता है जिससे आपकी पूरी सर्दी आराम से निकल जाए। कमांडर फिलहाल यही चाह रहे थे कि ये जंगली सांप उसके शब्दों को समझ जाए। हालांकि उनकी इसी सोच के बीच सबसे आगे खड़े जंगली सांप ने अपना सिर नीचे किया और जारिफ ताहिर की ओर बढ़ाया। उस सांप की इस हरकत से कमांडर कंफ्यूज हो गया। आखिर वो सांप क्या करना चाह रहा था? अब जब उन दोनों के बीच सिर्फ 10 मीटर की ही दूरी रह गई थी, तभी अचानक उस सांप ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और वो कमांडर जारिफ ताहिर को निगलने कूद पड़ा। तेरी ये मजाल जानवर! कमांडर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो भी एक पूरा 7 जीन चेन वाला ताकतवर अवेकन वॉरियर था जिसे लड़ाई का काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए जैसे ही उसने अपने ऊपर उस जंगली सांप को मुंह खोलते आते देखा, वो भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया। समय रहते ही कमांडर जारिफ अपनी जगह से उठकर पीछे कूद गया, जिससे अब उस जंगली सांप का बड़ा सा सिर जमीन पर गिर चुका था। हालांकि हम अभी भी नहीं कह सकते थे कि
कि कमांडर ने उस जंगली सांप को धूल चटा दी, क्योंकि उस सांप के पीछे खड़े तीन तीन सांप और भी अब दहाड़ कर जारिफ ताहिर को डसने चल पड़े थे। जारिफ ताहिर उनसे लगातार हवा में इधर उधर कूद कूद कर बचता तो जा रहा था, मगर उसे भी मालूम था कि बचते बचते भी अंत में वो कभी ना कभी तो मारा ही जाएगा। इसलिए अब जैसे ही एक और बार जंगली सांप का सिर उसकी ओर वापस आया तो कमांडर ने भी अपना हमला कर ही डाला। डिसॉल्विंग स्टील ब्लास्ट, कमांडर जारिफ ताहिर ने एक मुक्का बरसाया, जिसके पीछे ही उस मुक्के की ओर भी परछाई एक के बाद एक हमला करती गई। जंगली सांप के सिर पर अब 10 से भी ज्यादा घूंसे पड़ चुके थे, जिससे उसके सिर में काफी गहरे गड्ढे भी हो चले थे। दर्द के मारे ही अब एक जंगली सांप ने अपने सिर को पीछे लिया और कमांडर की ओर अब अपनी पूंछ दे मारी। कमांडर अभी अपने हाथों को कसे खड़ा ही था कि वापस से उस पूंछ के हमले से कई मीटर दूर उड़ गया। उसके उन्हीं हाथों पर एक गहरा काला निशान भी रह गया और सांप के उस हमले का दर्द उसकी हड्डी तक भी पहुंच चुका था। महंत विनेत वॉटसन, कमांडर की लगातार पुकार पर अब उसकी ओर तीन रेबल जनरल्स कूद पड़े। ये जारिफ ताहिर के भरोसेमंद साथी थे, जिनको उसने मित्रजी तियारी के कमांड सेंटर को धोखा देकर ही अपने साथ फॉलआउट शेल्टर में शामिल किया था। ये तीनों सात जीन चेन के ताकतवर अवेकन वॉरियर्स थे। तुम सभी लोग इन जंगली सांपों को रोको, हम इन्हें ड्रैगन दानव शेर एसेंस खून के एक्सट्रैक्शन वाले फॉर्मेशन के करीब नहीं आने दे सकते। ठीक है। सबसे बड़े जंगली सांप ने अब अपना शरीर लहराया और वो कमांडर जारिफ की ओर तेजी से रेंगने लग गया। उसका मुंह पूरी तरह खुला था और नीचे का जबड़ा भी एक गहरे हरे रंग की रोशनी निकाले जा रहा था। वो जारिफ ताहिर को बुरी तरह से डसने ही निकला था। कुछ नहीं, बस बेकार जानवरों के अंडे हैं। मरो सालो, खूनी रेडिएशन पंजा। एक खूनी लाल रंग के साथ ही अब कमांडर की जीन एनर्जी चढ़ने लगी। हालांकि इस खूनी रंग में मर्डर या तबाही करने की इच्छा तो नहीं झलक रही थी, बल्कि वो तो पवित्रता और कड़वेपन से उस सांप के सिर पर हमला करना चाह रहा था। इस खतरनाक लड़ाई को भी रॉबिन झाड़ियों के बीच छुप कर देखे जा रहा था और उसे नजारे में सांप और इंसान के बीच मानो एक टूर्नामेंट ही नजर आ रहा था। जब कमांडर के शरीर पर भी वो खूनी लाल रंग उभर आया, तभी रॉबिन भी तुरंत ही समझ गया कि मॉन्स्टर मार्शल एसोसिएशन का गंजा प्रेसिडेंट भी वाकई फॉलआउट शेल्टर के इस कमांडर का कोई रिश्तेदार ही था। मैं तुम्हें ही लड़ने दूंगा, अच्छे से लड़ो और एक दूसरे को मार गिरा दो। रॉबिन की नजरें अब ये कहते हुए ही उन लोगों के पीछे उस फॉर्मेशन की ओर चली गई थी। फॉर्मेशन के हर कोने में चार जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट्स खड़े थे और बीच में उन्हीं ड्रैगन दानव शेरों की लाशों का ढेर भी पड़ा था। रॉबिन ने उन जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट्स को देखकर ही एक अफसोस भरी सांस छोड़ी। कोई एक शेल्टर या फिर कमांड सेंटर में भी जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट को देख पाना मुश्किल था, मगर इस होजॉक शेल्टर ने तो एक साथ चार चार जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट को ही काम पर लगा रखा था। और तो और, वो बड़ा सा फॉर्मेशन भी लगभग 100 मीटर की रेडियस में फैला हुआ था, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसमें कितने रिसोर्सेस का इन्वेस्टमेंट हुआ था। हालांकि वो बड़ा सा फॉर्मेशन काली गैस में ढका हुआ था, जिससे रॉबिन अंदर हो रहे काम को झाड़ियों के पीछे से ही साफ साफ तो नहीं देख सकता था। उसे बस ये महसूस हो रहा था कि उन ड्रैगन दानव शेर की जीन एनर्जी मिलकर एक पॉइंट पर इकट्ठी होते जा रही थी। इसका मतलब ये था कि उसका एसेंस खून भी अब तैयार होने वाला था। दूसरी ओर चारों जंगली सांप तहलका मचा रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए कमांडर जारिफ ताहिर अपने तीनों जनरल्स के साथ मिलकर पूरी कोशिश करे जा रहा था। हालांकि उन बड़े जंगली सांपों की ताकत इंसानों से ज्यादा थी और उनकी जीन एनर्जी भी कमांडर और तीन जनरल की जीन एनर्जी से ज्यादा गहरी महसूस हो रही थी। ऐसी सिचुएशन में वो कमांडर और जनरल फिलहाल के लिए उन जंगली सांपों को जैसे तैसे सिर्फ रोक ही सकते थे, जब तक कि वो एसेंस खून तैयार नहीं हो जाता।
अब कमांडर जाहिर तारिफ ने भी अपना डिसीजन बना लिया। वो बचने और रोकने के इस सिलसिले को और ज्यादा नहीं खींच सकता था और उसे अब चार में से किसी एक जंगली सांप को ही बुरी तरह घायल करना था। अगर एक जंगली सांप भी गंभीर रूप से घायल हो जाता तो बाकी तीनों हमला करना छोड़ देते और अपने जख्मी साथी को उठाकर फिर से जंगल की ओर चल पड़ते। सांपों के वापस से जंगल में जाने के बाद ही कमांडर भी उस ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून को लेकर वहां से फरार हो जाने वाला था। महंत, अरे मिलिंद वाटसन, तैयार हो जाओ, खूनी आग लहर। कमांडर का यह ऑर्डर सुनकर ही तीनों जनरल्स का शरीर तड़पने लगा। जब भी वो खूनी आग लहर वाली अबिलिटी का इस्तेमाल करते तो उससे उनके शरीर पर काफी जोर आता था। यह अबिलिटी तब तो सहन करी जा सकती थी जब वो जवान और शक्तिशाली थे, लेकिन फिलहाल बूढ़ी होती उम्र में उनके शरीर पर स्टैमिना और जीन एनर्जी नहीं टिक पाती थी। और तो और, इस बार वो खूनी आग लहर का इस्तेमाल अपने अपने शरीर को कंबाइन करने के लिए करने वाले थे। ये हमला सफल हो भी जाता तो भी उन्हें फिर कुछ सालों तक इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट लेना पड़ता, नहीं तो वो अपनी ताकत को भी कभी रिकवर नहीं कर पाते और उनकी एक जीन चेन हमेशा के लिए टूट भी जाती। आखिर अपनी मेहनत से की गई ग्रोथ को इस तरह बर्बाद होते देखना किसे ही पसंद था। अरे चिंता मत करो, इस मैटर के सुलझने के बाद मैं तुम्हारे तीनों के ड्रैगन दानव शेर एसेंस खून का कोटा 50% और बढ़ा दूंगा और उसे उन्हीं दूसरे कर्नल्स और जनरल्स के कोटा में से काट लूंगा जो ऐसी सिचुएशन में भी बाहर निकले साले। चिल्लाते वक्त कमांडर जारिफ ताहिर का भी दिल चले जा रहा था। इस बार वापस लौटने पर होजोक सेंचुरी की लगभग आधी ताकत खत्म हो जाने वाली थी। ठीक है, खूनी ड्रैगन, खूनी आग, खूनी दानव। तीनों जनरल्स अब अलग अलग तरह के खूनी लाल मॉन्स्टर्स में तब्दील हो चुके थे। उनका शरीर भी खूनी लाल लपटों से जले जा रहा था, जिसे देखकर तो अब नजदीक ही खड़े उस जंगली सांप ने भी उन पर डायरेक्टली हमला करने से अपने आप को रोका। अब वो सांप उनके इर्द गिर्द घूमकर ही उन्हें घेरने लग चुके थे। क्या अपनी अबिलिटीज के साथ वो कमांडर और जनरल्स उन जंगली सांपों से लड़ पाएंगे? अगर जंगली सांपों ने फिर भी उन्हें मार डाला तो फिर क्या होगा? इस नजारे को देख अब रॉबिन क्या करने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून को बचाने के लिए अब तीनों जनरल्स अलग अलग तरह के खूनी लाल मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, जिन्हें देखकर अब चारों जंगली सांप भी उन पर सीधे हमला ना करने की बजाय अब उनके इर्द गिर्द घूमकर उन्हें घेरना शुरू कर चुके थे। फिर कमांडर जारिफ ताहिर भी चिल्ला पड़ा, अखूनी आग लहर। कमांडर जारिफ ताहिर बीच में खड़ा था और उसके आसपास खड़े थे वो तीन जनरल्स, जिनका शरीर भी अब खूनी लाल मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका था। अब वो तीनों मॉन्स्टर कमांडर की खूनी आग लहर में घुस गए और चारों प्रकार के खूनी आग भी एक साथ मर्ज हो गई। जारिफ ताहिर का चेहरा भी धुंधला पड़ने लग गया और अब वो खूनी आग की लपटें एक साथ मिलकर एक 5 मीटर लंबे खूनी राक्षस में तब्दील हो गई। चारों जंगली सांप एक पल के लिए रुके तो थे और वो खूनी राक्षस की लाल लपटें उन्हें खतरनाक भी महसूस हो रही थी, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने साथ मिलकर ही एक जोर की दहाड़ निकाली और वो कमांडर जारिफ ताहिर को डसने कूद पड़े। वाह, क्या सीन है! रॉबिन एक्साइटमेंट में सांसें छोड़ छोड़ कर झाड़ियों के पीछे से लड़ाई देखते जा रहा था। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे भी बूढ़े मित्र जीत के आगे सिर झुकाकर उससे कंपटीशन करना पड़ेगा। फिलहाल रॉबिन यही चाह रहा था कि लड़ाई के ये दोनों पक्ष एक दूसरे को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचा दे उतना अच्छा था, यहां तक कि वो सभी लड़ लड़ कर एक दूसरे के हाथों मारे भी जाए तो और भी ज्यादा अच्छी बात थी। आखिर दोनों पक्ष के परिवारों में उनकी बुराई का सफाया तो होना ही चाहिए था।
वैसे भी रॉबिन की नजरों में वो दोनों ही जंगली और बेकार लोग थे जो धरती पर बुराई को बढ़ावा दिए जा रहे थे, चाहे फिर वो जंगल के चारों बड़े सांप हो या फिर खुद होजॉग सेंचुरी। उधर फॉर्मेशन के इलाके में अब काली गैस भरना शुरू हो गई। ड्रैगन दानव शेर की लाश हल्की सी तड़पी और फिर उस फॉर्मेशन के इस गैस इफेक्ट में तुरंत ही सूखी पड़ गई। गहरे लाल रंग के लिक्विड जैसे धब्बे अब उस फॉर्मेशन के ऊपर इकट्ठे हो चुके थे। 2 मीटर से भी लंबा उस ड्रैगन दानव शेर को अब फॉर्मेशन के इफेक्ट ने पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था। उनकी डार्क और ब्राइट स्किन में अब काफी सारे छेद हो चुके थे, साथ ही मांस और खून भी सूख गया और अब अंदर उनकी चांद से भी सफेद हड्डियां नजर आने लग रही थी। ड्रैगन दानव शेर की अब 100 से भी ज्यादा लाशें मानो सूखी लकड़ी में तब्दील हो चुकी थी, और तो और अब उनकी हड्डियां भी उस फॉर्मेशन के इफेक्ट में नहीं टिक पाई और अब वो काली गैस लाशों के हड्डियों पर भी जंग लगाकर उन्हें राख बनाती जा रही थी। वो राख बनते ही अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी और पिघलकर एक मुट्ठी भर लिक्विड में तब्दील हो गई। ये लिक्विड ही ड्रैगन दानव शेर के खून का एसेंस था। वाकई हड्डियों तक को चूस लेने वाला तरीका था, रॉबिन बड़बड़ाया। रत्ती भर राख भी नहीं छूटी। गरगराने की आवाज अब अजीब तरह से रुक गई और साथ में फॉर्मेशन वाली काली गैस भी अब खत्म हो गई। ड्रैगन दानव शेर का एसेंस खून अब पूरी तरह से तैयार था। रॉबिन ने भी अब अपनी नजरें फॉर्मेशन से हटाकर उस खूनी राक्षस और जंगली सांपों के बीच घुमाई, जिसे देख उसकी आंखों में रोशनी झलक उठी। खूनी आग! खूनी राक्षस लगातार खूनी आग की गेंदों का हमला किए जा रहा था। जंगली सांप का शरीर इतना बड़ा था कि वो इस हमले से भागकर बच भी नहीं सकता था। अब जैसे ही खूनी आग की लपटे उस सांप के शरीर से टकराई तो उसके शरीर पर बने धारियों का मोटा आर्मर भी जलकर राख बन चुका था। जंगली सांप लगातार लुढ़कता गया और आसमान में राख और धुआं उड़ पड़ा। अब अपनी जान बचाने के लिए उस जंगली सांप को इन खूनी आग की लपटों को बुझाने के लिए जीन एनर्जी का ही सहारा लेना पड़ा। उसके बाद चारों जंगली सांप ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर खूनी राक्षस के आसपास जहर थूक दिया, जिससे वो अब पीछे नहीं हट सकता था। अरे हट साला! खूनी राक्षस अब अपनी जगह पर ही अटक चुका था और उस जंगली सांप के प्रति उसकी नफरत भी बढ़ चुकी थी। उसकी ऐसी इच्छा हो रही थी कि वो इन चारों जंगली जानवर को अपनी आग से पकाकर इनकी मैगी बना दे और फिर उन्हें खा जाए। खूनी राक्षस को भी सबसे जरूरी बात ये खटक रही थी कि वो चारों जंगली सांप थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में नहीं, बल्कि ठीक उसी समय आए थे जब कमांडर ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून को हासिल करने वाला था। हालांकि अब आज के इस मैटर को सुलझाने के बाद वो जरूर से ही लाइमस्टोन जंगल में कब्र खोदकर इन जंगली सांपों को उसमें दफना देने वाला था। खूनी राक्षस के शरीर पर वो खूनी आग काफी खतरनाक तरीके से जले जा रही थी। कमांडर जारिफ ताहिर को भी पता था कि एक एक सेकंड उन चारों लोगों की ताकत को खत्म करते जा रहा था, इसलिए अब जो भी करना होता जल्दी से करना होता। उधर फॉर्मेशन के आसपास एक काले कोहरे की परत थी और अंदर उस ड्रैगन दानव शेर के खून का एसेंस, जिसको सबसे पहले छूने वाले लोग थे वो चार जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट। बाहर तो लड़ाई चल रही है, इसके जवाब में एक जवान इंसान की आवाज ने कहा। तो अब हमें क्या करना है? वो चारों जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट्स शांत पड़ चुके थे। उनके सामने ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून की लगभग 100 से भी ज्यादा बूंदे इकट्ठी हुई पड़ी थी। अब अगर वो लोग ही अपने हाथों से उस खून एसेंस को हासिल कर लेते तो उन्हें जिंदगी भर रिसोर्सेस की कमी नहीं होने वाली थी। उन चारों के मन में इसी तरह के ख्याल उठते जा रहे थे, मगर फिर भी उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। किसे पता अगर उन चारों में से कोई कमांडर का चमचा हो जो
आगे जाकर बाकियों पर इस खून एसेंस को चुराने का आरोप लगा दे। या फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि उन चारों में से ही कोई ना कोई अकेले ही पूरा चुरा लेने की फिराक में हो। उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, हम फिलहाल चारों अलग अलग होकर अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। सही समय आने पर या इस एसेंस खून को कमांडर को दे देंगे या फिर खुद ही रख लेंगे। जो भी होगा देख लेंगे बाद में। हाँ ठीक है। अलग अलग ताकतों वाली चार आवाजें गूंज पड़ी। चारों लोगों के बीच में ही ड्रैगन दानव शेर के खून का एसेंस हवा में तैर रहा था। और अगर वो एसेंस की भी फिलहाल कोई इंटेलिजेंस होती तो वो यही सोच पाता कि उसके आसपास खड़े इन लोगों के विचार बहुत अच्छे नहीं नजर आ रहे थे। एक क्वार्टर, बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना हाथ आगे किया और ड्रैगन दानव शेर के उस एसेंस खून को छू लिया। बाकी तीनों की निगाहों में वो अब हल्के से हंसकर बोल पड़े, मैंने सिर्फ एक क्वार्टर लिया है। हट साला। एक क्वार्टर बोलकर बूढ़े ने असल में उस खून के एसेंस की मानो मुट्ठी ही भर ली थी। अगर गणित के हिसाब से बात करें तो फिलहाल एक क्वार्टर की जगह उसने 3 क्वार्टर जितने एसेंस को पकड़ लिया था। उसने ऐसा करते हुए तुरंत ही बचे 1 क्वार्टर को हाथ से पीछे धक्का दे मार और वो वहां से भाग निकला। अरे पकड़ो साले को। अब 2 लोग ये कहकर ही उस भागते हुए बूढ़े के पीछे पागलों की तरह दौड़ पड़े। वहीं तीसरे आदमी ने घूमकर उस बचे हुए 1 क्वार्टर को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर 1 क्वार्टर पाकर ही मुस्कान आ चुकी थी। कम से कम उसे इसके लिए बेईमानी कर भागना तो नहीं पड़ा। अबे इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या खजाना है जिसको छुपा रहा है? यह आवाज सुनते ही उस जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट के हाव भाव अचानक बदल गए और उसने अपनी नजरें घुमाकर फॉर्मेशन में एक जवान लड़के को घुसते देखा। उस काले कोहरे में फिलहाल उस जवान लड़के के हाथ में बिजली ही चमकती दिखाई दे रही थी। तू कौन है? बाहर में जा। वो जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट जोर से चिल्ला पड़ा। एक धमाके की आवाज के साथ ही अब उस जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट की छाती में से खून का फव्वारा फट निकला और वो तुरंत ही जमीन पर बेजान आंखों के साथ गिर पड़ा। रॉबिन ने उसके हाथों से वो खून एसेंस का क्वार्टर लिया और अब वो बाकी तीनों जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट्स की ओर भाग पड़ा। उधर एक जंगली सांप कूद कर उस खूनी राक्षस के ऊपर टूट पड़ा। जारिफ ताहिर समय रहते उस सांप के हमले से नहीं बच पाया और इसलिए ही पीछे जा गिरा। उसके शरीर की जेब में से एक पेपर की बॉल निकल पड़ी। अब वो पेपर की बॉल यानी वो पेपर बैग ही पहले तो कमांडर जारिफ की जीन एनर्जी में सुरक्षित थी, लेकिन बाहर निकलते ही वो खूनी आग की लपटों से तुरंत ही जल गया और उसके अंदर गुलाबी रंग का वो डीमन मून लोटस पूरी तरह से दिखने लगा। अब चारों जंगली सांपों ने भी उस खूनी राक्षस को एक साइड फेंका और अब वो सभी उस डीमन मून लोटस को खाने टूट पड़े। ये नजारा देखकर कमांडर जारिफ ताहिर की मानो दिल की धड़कन ही रुक गई और तभी उसको पूरा मांजरा समझ में आ गया। डीमन मून लोटस, जंगली सांप, साला गद्दार। जारिफ ताहिर का गुस्सा अब सही मायने में भड़क चुका था। उसे अभी समझ आया कि वो किसी और के रास्ते के बीच में आ रहा था। इस पल उसे ये भी एहसास हुआ कि उस 5 जीन चेन वाले स्कूल ऑफिसर के दिए हुए इस तोहफे को खोलकर ना चेक करना ही उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी भूल थी। वो वाकई उस गद्दार के झांसे में फंस चुका था। खैर उसे भी क्या मालूम था कि इसमें हाथ उस स्कूल ऑफिसर का नहीं बल्कि रॉबिन का था। हाँ वही रॉबिन जो अब ड्रैगन दानव शेर के खून एसेंस को लेने फॉर्मेशन में कूद पड़ा था। अरे नहीं, ड्रैगन दानव शेर का खून एसेंस। जारिफ ताहिर ने काले कोहरे से घिरे उस फॉर्मेशन की ओर देखा जिसके अंदर अब जीन एनर्जी फ्लक्चुएट होना बंद हो चुकी थी। इसका यही मतलब था कि एसेंस खून अब बंद कर तैयार हो चुका था। बेचारे कमांडर को यह भी अंदाजा नहीं था कि वो खून एसेंस तो जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट्स ऑलरेडी लेकर भाग चुके थे।
उस बड़े से फॉर्मेशन के बाहर ऑफिसर्स और आम अवेकन्ड वॉरियर्स लगातार उन जंगली सांपों से लड़ते जा रहे थे और सभी ओर जैसे मौत ही नाच रही थी। तूने मेरे होजॉक सेंचुरी के बहुत सारे लोगों को मार गिराया है, इसलिए अब अपने साथ भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद मत रखना। ये कहकर ही जारिफ ताहिर के हाथ से खूनी आग छूट पड़ी और सीधा जाकर उस डीमन मून लोटस से टकरा गई, जो कि उन चारों जंगली सांपों के बीचों बीच ही पड़ा था। खूनी आग के हमले से उस डीमन मून लोटस के तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गए और उसका नाजुक लाल रंग का लिक्विड अब मिट्टी में गिरकर अब्सॉर्ब हो गया। वो चारों जंगली सांप भी उस डीमन मून लोटस के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन इस बात की जारिफ ताहिर ने जरा भी परवाह नहीं की। वो डीमन मून लोटस उसकी खून आग से जल चुका था, जिससे उसकी वापस से उगने की पॉसिबिलिटी भी अब खत्म हो चुकी थी। साथ ही साथ वहां की जमीन पर रेत भी ज्यादा थी, जिसमें डीमन मून लोटस उग भी नहीं सकता था। डीमन मून लोटस के जल जाने के बाद अब वो चारों जंगली सांप क्या करने वाले थे? जब जारिफ ताहिर को एसेंस खून फॉर्मेशन में नहीं मिलता तो उसका क्या रिएक्शन होने वाला था? क्या रॉबिन बाकी तीनों जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट्स को पकड़ पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब चारों जंगली सांप एक दूसरे के साथ ही उस डीमन मून लोटस से लड़ने लग चुके थे, तभी कमांडर जारिफ ताहिर और उनके तीनों जनरल के मिलाप से बने उस खूनी राक्षस ने खूनी आग के गोले को छोड़ उस लोटस को जला डाला। उसके ऐसा करने के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ उसका गुस्सा ही था, और अब इसी गुस्से में वो खूनी राक्षस काले कोहरे से घिरे उस फॉर्मेशन में जा घुसा, जिसके बाद एक ही जोर की दहाड़ सुनाई पड़ी। एसेंस खून कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं। हरामजादे, पूरे एसेंस खून को लेकर भाग गए। एसेंस खून के चोरी हो जाने पर उस कमांडर जारिफ का पहला शक उन चारों जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट पर ही था। हालांकि जब उसने वही जमीन पर चार में से एक जीन रिफाइनिंग की लाश बुरे हाल में देखी तो उसे एहसास हुआ कि उन तीनों जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट्स के अलावा भी कोई था, क्योंकि इतनी बुरी तरह से मार डालना उन जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट्स की तो बस में नहीं ही था। दूसरी ओर वो तीनों जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट्स भी अब उस खून के एसेंस की ओर दौड़ते जा रहे थे। ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून का वो 3/4 हिस्सा इतना कीमती था कि उन छोटे मोटे जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट्स को तो छोड़ो, बल्कि अगर सेंट्रल रॉयल सिटी में भी किसी शाही परिवार को इसके बारे में पता चलता तो वो भी अपनी आन बान शान की ऐसी की तैसी कर इसे छीनने में लग जाते। हामिद दादा, मुझे मेरे हिस्से का एसेंस खून का 1/4 दे दो, तुरंत ही पीछा करना छोड़ दूंगा। मैं भी हामिद दादा, हम सभी को अपना अपना हिस्सा ही लेना चाहिए और फिर अलग अलग होकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। अपने पीछे से उन दो लोगों की सिफारिश पर हामिद दादा नाम का वो जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट आखिरकार रुक ही गया। वैसे भी वो कितना ही दौड़ लेता, मगर रफ्तार के मामले में क्या वो तीनों कमांडर जारिफ ताहिर की बराबरी भी कर पाते? वो तो पूरे 7 जीन चेन का एक्सपर्ट था। हामिद दादा ने अब अपने होंठ दबाकर कहा, ठीक है, मैं अभी ही इस एसेंस खून को 3 हिस्से में बांट देता हूँ। वो बाकी दोनों लोग एक हामिद दादा से लगभग 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे और लगातार उसे घूरते भी जा रहे थे ताकि वो फिर से उन्हें चकमा देकर निकलना जाए। हामिद दादा ने अब बड़ी ध्यान से उस एसेंस खून को काटा, जिसके बाद ही उस एसेंस खून के 3 टुकड़े 3 छोटी छोटी गेंदों में बदलकर बाकी दोनों जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट की ओर उड़ने लगे। लेकिन अचानक उन दोनों जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट्स में से एक जवान एक्सपर्ट की आंखों में खतरनाक इरादों की रोशनी चमक पड़ी और उसने तुरंत ही एक साइड कूद कर अपना चाकू दूसरे जवान एक्सपर्ट के गले पर चला दिया और एक और जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट के गले में से खून का फव्वारा छूट चुका था। हराम के पिल्ले! मरने से पहले उस जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट के यही आखिरी शब्द थे, जिसके बाद
उस दूसरे एक्सपर्ट ने तुरंत ही उसकी भी एसेंस खून की गेंद छीन ली और वो दोनों की गेंदों को लेकर हामिद दादा की ओर भाग पड़ा। मर बुढ़े, एक छोटा सा चाकू छूटा और हामिद दादा की छाती में जा घुसा। हामिद दादा अब अपनी आंखें बड़ी कर ही गुस्से और अफसोस में मारे जा चुके थे। अब उस आखिरी बचे जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट के चेहरे पर भी काफी एक्साइटमेंट छा चुकी थी और अब वो हामिद दादा की छाती में घुसे अपने जेनेटिक वेपन की परवाह किए बगैर ही ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून की ओर पहले चल पड़ा। मैं अमीर हो गया। उस जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट की आंखें लाल होने लगी और उसने तुरंत ही अपने मन में अपने उज्जवल भविष्य की तस्वीरें भी देखना शुरू कर डाली। वो ऑलरेडी उन गहरे पहाड़ों और जंगलों के ख्यालों के बीच खो चुका था जहां पर वो कुछ सालों तक धीरे धीरे उस एसेंस खून को अब्सॉर्ब करने वाला था। उस एसेंस खून को अब्सॉर्ब करने में सफल होने के बाद उस जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट की भी ताकत होजोक सेंचुरी के कमांडर जारिफ ताहिर की जितनी हो जाती और उतनी ताकत से वो कहीं भी एक अच्छी खासी जिंदगी बिता सकता था। वो तो किसी कमांड सेंटर में ऊंची पोस्ट लेकर भी बैठ सकता था और फिर अपने से नीचे लोगों को ऑर्डर देके काम करवाने का आनंद भी उठाता। अगर एक लाइन में कहे तो ये भविष्य का मुंगेरी लाल था जिसने अभी अभी ही असीम सपने देखना शुरू भी कर दिए थे। ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून की वो तीन अलग अलग गेंदें अब फिर से मिलकर एक बड़ी गेंद में तब्दील हो चुकी थी जिसमें किसी कांच की तरह ही लाल रंग के रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहे थे। कल करे सो आज करे सो अब। इसलिए मैं भी बिना देरी किए ही यहाँ आ गया हूँ। तेरे हाथ में ये चीज तो अच्छी है, चल इधर दे। एक हाथ आगे आया और उसने जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट से ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून को छीन लिया। एसेंस खून की गेंद को अपने पास ले लेने के बाद अब रॉबिन ने अपना सिर ऊपर करके सामने खड़े उस जवान जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट की ओर एक शातिर नजरों से देखा। अब जब इस एसेंस खून के ही तीन क्वार्टर के लालच में उस जवान जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट ने अपने दोनों साथियों को भी मार गिराया था तो वो खुद भी अच्छा इंसान कैसे होता। एसेंस खून के छीने जाने के बाद उस जवान जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट के हसीन सपने भी टूट चुके थे। उसका चेहरा फीका पड़ गया और होठों ने भी अपना रंग छोड़ डाला। तू यहाँ क्या हुआ, बुरा लगा? रॉबिन ने उसको चिढ़ाते हुए ही एसेंस खून को अपने नैनो कंप्रेसर में डाल दिया। उधर उस जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट ने कुछ कदम पीछे लिए और झट से हामिद दादा की लाश में घुसे उस जेनेटिक वेपन को फिर से निकाल लिया। हवा चीर, मर अभी। ये कहते हुए ही वो जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट शैतानों की तरह हंस पड़ा। वैसे तो उसकी खुद की ताकत काफी कम थी मगर फिर भी उसके पास एक जेनेटिक वेपन तो था ही, तो फिर वो क्यों ही किसी से डरता। आखिर जेनेटिक वेपन में भी जेनेटिक एबिलिटीज होती थी जिसे देख कई सारे अवेकन वॉरियर्स तो वैसे ही घबरा जाया करते थे। हमले को आते देख रॉबिन ने अपना सिर हिलाया और महसूस किया इस बेवकूफ और जिद्दी जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट के साथ ज्यादा समय बर्बाद करने में अब कोई सेंस नहीं था। एक तेज आवाज के साथ ही रॉबिन के हाथों में उसका जेनेटिक वेपन विषम काटा चमक उठा और सामने से आ रहे दुश्मन के जेनेटिक वेपन को उसने दूसरी तरफ फेंक डाला। वो जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट अपने जेनेटिक वेपन का ये हाल देख बुरी तरह से चौंक उठा था। हालांकि इससे पहले वो कुछ समझ भी पाता, रॉबिन ने तुरंत ही अपने हाथों में नीली चिंगारियां चमकाई और उसे जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट के गले में बिजली के झटके वाले तीर दे मारे। अपने मरते हुए दुश्मन की ओर रॉबिन ने देखा भी नहीं क्योंकि काले कोहरे में से एक खतरनाक ऑरा आते उसे महसूस होने लग गया था। अरे नहीं, ये वही कमांडर होगा जो अपने जनरल्स के साथ उस एसेंस खून को लेने आ रहा है। एक तरफ उस जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट का शरीर बिजली के तीर से बेजान होकर अब पीछे उड़ चुका था, वहीं दूसरी तरफ रॉबिन भी पलटकर तुरंत ही भागने लग गया। पीछे से खूनी आग की लपटें उठती दिखाई देने लगी थी जिसे महसूस कर रॉबिन भी अब नीली बिजली के रूप में तेजी से दौड़ने लगा।
अब उस बंजर जमीन पर खूनी राक्षस की लाल लपटें रॉबिन की नीली बिजलियों का पीछा करते दिखाई दे रही थी। दोनों की रफ्तार लगभग बराबर थी और उनके बीच दूरी भी एक जैसी ही बनी हुई थी। अब रफ्तार और स्टैमिना के मामले में तो रॉबिन भी किसी से नहीं डरता था। तिलक शहर के अरीना कॉम्पिटिशन के एक्सपीरियंस से रॉबिन को पता था कि उस खूनी राक्षस की खूनी आग वाली फ्लक्चुएशन लाइफ फोर्स को अच्छा खासा खत्म कर देती थी। अब रॉबिन की तो फिलहाल जीन एनर्जी खत्म हो रही थी, जिसे वो फिर से लाइफ सोर्सेस खाकर रिस्टोर कर सकता था। इस हिसाब से तो साफ साफ नजर आ रहा था कि उन दोनों में इस तरह भागते हुए नुकसान किसका होते जा रहा था। लड़के, बहुत बुरी मौत मारूंगा तुझे, वो खूनी राक्षस गुस्से में अपने आगे भाग रही उस बिजली की ओर दहाड़ पड़ा, जिससे उसकी खूनी आंखें अब और भी ज्यादा भड़क चुकी थी। पागल साला, रॉबिन ने अपने अंदर ही अंदर चिल्लाया। उसे लगा कि आखिर ऐसी सिचुएशन में इस तरह के शब्द सुनकर भी कोई क्यों ही रुकता। हालांकि फिलहाल जीन एनर्जी खत्म होने को आई, जिससे रॉबिन को रुकना ही पड़ा। वो बिजली की गेंद अब वापस से इंसान के शरीर में तब्दील हो गई। रॉबिन एक बड़े से पत्थर पर जाकर लैंड हुआ और लगभग 10 से भी ज्यादा लाइफ सोर्सेस अपने हाथों में लेकर उन्हें जल्दी जल्दी में अब्सॉर्ब करने लगा। उसकी जीन एनर्जी अब फिर से रिस्टोर होने लगी। एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, रॉबिन फिर से बिजली की गेंद में तब्दील होकर उड़ पड़ा। मगर अब इन कुछ सेकेंड्स में ही वो खूनी राक्षस थोड़ा उसके करीब भी आ चुका था, जिससे अब उसकी रॉबिन को पकड़ने की इच्छा और भी ज्यादा गंभीर हो चली थी। लड़के, ड्रैगन दानव शेर का वो खून एसेंस मुझे वापस कर दे तो मैं तेरी कुत्ते जैसी जिंदगी बख्श दूंगा, खूनी राक्षस रॉबिन की ओर जोर से चिल्ला पड़ा। हट, रॉबिन अपने मन में ही बोला। उसे लगा कि अभी कुछ सेकंड्स पहले तो ये राक्षस उसे बुरी मौत मारने वाला था, लेकिन अब उसकी कुत्तों जैसी जिंदगी बख्श देना चाहता है। खैर, रॉबिन ने बाहर तो इस खूनी राक्षस के इस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस आगे की ओर भागता गया। वो तब तक भागता रहा जब तक कि सूरज ढलकर आसमान में अंधेरा ना हो जाए। अब वैसे तो रॉबिन के रुकने और लाइफ सोर्सेस अब्सॉर्ब करने के टाइम पीरियड का फायदा उठाकर उस खूनी राक्षस ने दोनों के बीच की दूरी को कम कर लिया था, मगर फिर भी वो और भी ज्यादा परेशान होते जा रहा था। उसके अंदर वो तीनों रेबल के जनरल्स लगातार कमांडर जारिफ ताहिर को यही वार्निंग दिए जा रहे थे कि उनका लाइफ सोर्स अब खत्म होने वाला था। अंधेरी रात में आग की लपटों वाला राक्षस और भी ज्यादा आकर्षित नजर आ रहे थे। वहां के जंगल के जंगली जानवरों ने भी उन दोनों का खतरनाक ऑरा देखकर उन्हें अवॉइड ही किया था। वैसे तो उन जानवरों की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा तो नहीं थी, मगर वह फिर भी ये तो समझते ही थे कि किसको शिकार बनाना था और किससे बचना था। अब उस खूनी राक्षस में तीनों जनरल्स लगातार लाइफ फोर्स खत्म होने की वार्निंग दिए जा रहे थे कि अब उनसे लगभग 100 मीटर आगे वो बिजली की गेंद एक बार चमक कर अंधेरे में गायब हो पड़ी। वो खूनी राक्षस भी अब उस जगह पहुंचा जहां रॉबिन गायब हुआ था और उसने इधर उधर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। जब ढूंढने के बाद भी रॉबिन नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर अपनी खूनी लपटे उठाई और नीचे पड़े एक पत्थर पर लात मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। हट साला, भाग गया हराम खोर। क्या वो खूनी राक्षस रॉबिन को वहां पर ढूंढ पाएगा? आखिर रॉबिन गायब होकर कहां गया होगा? रॉबिन ड्रैगन दानव शेर के उस एसेंस खून का अब क्या करने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंधेरा हो चुका था और रॉबिन का पीछा करते करते उस खूनी राक्षस के लोगों की लाइफ फोर्स भी खत्म होते जा रही थी। अब रॉबिन के भी अचानक अंधेरे में ही गायब हो जाने से वो खूनी राक्षस गुस्से से फूट पड़ा, जो कि स्वाभाविक भी था। आखिर 10 सालों की मेहनत से बना ड्रैगन दानव शेर का वो एसेंस खून सिर्फ एक झटके में उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था, जिससे फिलहाल
वो उस बंजर जमीन पर जोर से लात मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसकी लात से निकली खूनी आग की लपटों ने तो जमीन पर भी काफी सारे गड्ढे कर दिए थे। अब वो खूनी लपटे चार हिस्सों में अलग अलग हुई और इंसानी आकार में वापस आ गई। असल में वो जनरल्स ही थे जिनसे कमांडर की इस तरह लाइफ फोर्स खत्म होते देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने समय रहते ही अपने खूनी राक्षस का ट्रांसफॉर्मेशन रोक दिया। ढूंढो, उस लड़के को ढूंढना पड़ेगा, वो हमारे करीब ही है, इतनी जल्दी कोई भी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। कमांडर जारिफ ताहिर ने गुस्से भरी लाल आंखों से कहा, उन चार जंगली सांपों ने लगभग हमारी आधी अवेकन फौज को मार डाला, जिससे होजॉक सेंचुरी की ताकत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। इस नुकसान का बदला तो हमें लेना ही पड़ेगा। हाँ कमांडर, हाँ। महंत मिलिंद और वॉटसन फॉल आउट सेंटर के उन तीनों जनरल्स ने एक ही समय पर एक साथ जवाब दिया। वो कमांडर के इशारे से अलग अलग जगह पर रॉबिन को ढूंढने लगे। उधर एक पत्थर के नीचे रॉबिन ने दिलचस्पी से एक छोटी सी जगह को देखा। अगर वो अपनी बिजली की गेंद में ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो इस खास जगह को ढूंढ भी नहीं पाता। उस छोटी सी जगह में ढेर सारी पर्पल रंग की बेलें थी और इन्हीं बेलों की जड़ से वहां पर कीड़े भी निकलते जा रहे थे। ये जगह असल में बाहरी दुनिया से इतनी छिपी इसलिए थी क्योंकि इन बेलों ने ही फूड चेन के लिए इसे सपोर्ट कर रखा था। ये जगह कुदरत की ही बनाई हुई दिख रही थी, जिसे देख रॉबिन भी हैरान था। उसे कुदरत का यह आर्ट किसी मास्टरपीस से कम नहीं लग रहा था। अब थोड़ा आराम कर लेता हूं, बस वो बड़ा खूनी राक्षस मुझे यहां भी न ढूंढ ले, रॉबिन ने अपने आप से ही मुस्कुराते हुए कहा। वैसे अगर वो सच में अभी भी भागना चाहता तो उस खूनी राक्षस के डर के बिना भाग सकता था, क्योंकि और ज्यादा भागने से खतरा उस खूनी राक्षस और उसके लोगों की लाइफ फोर्स को था, ना कि रॉबिन को। आखिर दुश्मन भी इतनी सारी लाइफ फोर्स बर्बाद कर और इतने सारे ट्रम्प कार्ड खोल लेने के बाद रॉबिन से लड़ने के काबिल भी बचता? रॉबिन ने अब अपना हाथ नैनो कॉम्प्रेसर में घुसाया और ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून की एक बड़ी गेंद निकाल ली। उसके मन में तो मानो उस गेंद जितनी बड़े ही लड्डू फूटने लग चुके थे। सबसे पहले उसने काले कोहरे के फॉर्मेशन में घुसकर इसका एक क्वार्टर लिया, फिर उस जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट का पीछा कर और उसको मारकर बाकी के तीन क्वार्टर्स लिए। इन टोटल अब उसके हाथों में एसेंस खून की लगभग 100 बूंदे इकट्ठा हो चुकी थी और वो यही सोच रहा था कि वो इनका पूरी तरह से इस्तेमाल कर भी पाता या नहीं। खैर नहीं भी कर पाता तो इस पागल भालू के लिए भी थोड़ा बचा देता। बस फिलहाल वो यही दुआ कर रहा था कि कालू भालू इधर उधर ना घूम रहा हो, नहीं तो इस जंगली इलाके में वो अपनी जान भी गंवा सकता था। अब रॉबिन ने ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून की ओर उंगली उठाई और धीमे से कहा, जीन एक्सट्रैक्शन। बस ड्रैगन दानव शेर के उस एसेंस खून ने तुरंत ही भाप का एक बादल निकाला जिसमें से प्योर एनर्जी निकलने लग गई। वो तब तक हवा में पलती गई जब तक एक पतला धागा ना बन गई हो, और फिर उस धुएं का वो पतला धागा ही रॉबिन के शरीर में धीरे धीरे अब्सॉर्ब होने लग गया। एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल, न्यू जीन चेन टैलेंट अक्वायर, ड्रैगन दानव शेर जीन चेन 25% कंप्लीट, एसेंस ब्लड एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। रॉबिन ने तभी अपनी स्क्रीन पर एक और मैसेज देखा, एसेंस ब्लड एक्सट्रैक्शन। ये देखते ही उसके बाकी सभी जीन चेन्स भी अलग अलग रफ्तार पर इंप्रूव होना शुरू हो गई, जैसे कि उसकी अनंत दानव जीन चेन जो पहले सिर्फ 1% पर थी अब बढ़कर सीधा 21% हो चुकी थी। वहीं बाकी जीन चेन्स थोड़ी धीरे धीरे 5-10% से बढ़ रही थी। वाह, ये एसेंस खून तो वाकई काफी तगड़ी चीज है, रॉबिन हैरान होकर बड़बड़ाने लगा। उसके पास तो जीन एक्सट्रैक्शन जैसी दुनिया की सबसे अनोखी स्किल थी, पर उसके बावजूद भी वो अपनी कुछ जीन चेंज को नहीं बढ़ा पाया था। लेकिन आज इस एसेंस खून ने उसकी उस जीन चेन के बड़े पोर्शन को आसानी से पूरा कर डाला था। हालांकि इससे पहले कि वो इस बात का जश्न भी मना पाता,
उसकी हड्डियों में जोरदार दर्द दौड़ना शुरू हो चुका था। हालांकि भाई साहब को तो दर्द की आदत है, इसलिए चुपचाप ही अपने होंठ दबाकर और दर्द सहकर उसने ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून का एक्सट्रैक्शन जारी रखा। सिर्फ कुछ ही देर में रॉबिन ने ड्रैगन दानव शेर के उस एसेंस खून का लगभग आधा हिस्सा खत्म कर दिया था। वहीं बचे आधे हिस्से में भी रंग अब थोड़ा फीका नजर आ रहा था। रॉबिन के इस एसेंस खून के एक्सट्रैक्शन के बाद ही अब उसकी जीन स्क्रीन पर काफी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ उभर आई थी। जीन चेन टैलेंट मॉन्स्टर किमीरा जीन चेन 99% कंप्लीट। अबिलिटी ऑब्टेन्ड अल्टीमेट मॉन्स्टर इन्फर्नल जीन चेन 39% कंप्लीट। नाइटमेयर जीन चेन 47% कंप्लीट। अनंत दानव जीन चेन 29% कंप्लीट। ब्लड फायर जीन चेन 50% कंप्लीट। ड्रैगन दानव शेर जीन चेन 100% कंप्लीट। अबिलिटी ऑब्टेन्ड चीरन फाड़। फिलहाल स्क्रीन पर वही जीन चेन दिखाई दी थी जिनकी ग्रोथ हुई थी। बाकी बची चार जीन चेन स्क्रीन पर काफी समय से नहीं दिखाई दी थी, जिसके पीछे शायद कारण भी यही था कि वो जीन चेन ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी। रॉबिन ने जब अपनी सारी जीन चेन्स की एक बार गिनती करी तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब 10 जीन चेन हो चुकी थी, जिसमें से 5 पूरी तरह से कंप्लीट थी और 5 अभी भी पूरी होना बाकी थी। हालांकि इतनी गिनती देखकर ही उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि 10 जीन चेन का मतलब था कि वो अब एक ब्लड लाइन वॉरियर बन सकता था। फिर अचानक उसकी स्क्रीन में एक और मैसेज आ गया, क्या आप अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करना चाहोगे, यस और नो। इस प्रोसेस में होस्ट अपनी जीन चेन भी खो सकता है और कम जीन चेन होने से इसकी सक्सेस के चांसेस भी काफी कम होंगे। अगर ब्लड लाइन अवेकनिंग की प्रोसेस फेल हो गई तो आपकी सबसे कम परसेंट वाली जीन चेन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रॉबिन ने अपनी स्क्रीन पर इस मैसेज को काफी ध्यान से पढ़ा और बहुत बार सोचने के बाद ही उसने फाइनली नो ऑप्शन को ही सिलेक्ट किया। फिलहाल उसको ज्यादा ताकत की इतनी अर्जेंट जरूरत नहीं थी कि वो अपनी एक जीन चेन को ही दांव पर लगा डाले। उसके पास वैसे भी जीन चेन्स कम ही थे, जिससे ब्लड लाइन अवेकन होने के चांसेस भी फिलहाल काफी ज्यादा कम थे। और उसके अलावा भी जो उसके पास सबसे कम परसेंटेज वाली जीन चेन थी वो थी सीमलेस सेंचुरी के कमांडर जगजीत खन्ना से हासिल की हुई अनंत दानव जीन चेन। उसने इस जीन चेन को इंटरमीडिएट एनर्जी की मदद से एक्सट्रैक्ट किया था। अब चाहे वो इंटरमीडिएट एनर्जी पॉइंट्स की वैल्यू करे या फिर उस जीन चेन को सेंट्रल रॉयल सिटी के 13वें शाही परिवार के जीन्स जैसी इज्जत दे, मगर अनंत दानव जीन चेन वाकई काफी कीमती जीन चेन थी और रॉबिन उसे खो देने के रिस्क जरा भी नहीं ले सकता था। रॉबिन ने अब बचा हुआ फीके लाल रंग का वो एसेंस खून फिर से अपने नैनो कॉम्प्रेसर में डाल दिया। उसके शरीर में अभी भी दर्द दौड़े जा रहा था और माथे पर नसें गड़गड़ा रही थी। रॉबिन अब उठा और उसने अपनी मसल्स को थोड़ा खींचा। स्ट्रेंथ स्टैमिना स्पिरिट, ये तीनों चीजें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मजा आ गया। और वो क्या था, खूनी आग फ्लक्चुएशन, होशॉक सेंचुरी का कमांडर। आथू। उधर जंगल की बंजर जमीन पर कमांडर जारिफ ताहिर और उसके तीनों जनरल्स इधर उधर रॉबिन को ढूंढे जा रहे थे। जमीन में से मिट्टी की 3 लेयर निकालने के बाद भी उन्हें रॉबिन नहीं मिला, जिससे अब कमांडर जारिफ और भी ज्यादा चिड़चिड़ा होते जा रहा था। अब तो सुबह के सूरज को भी उगता देख उसके तो मानो बाल भी सफेद हो चुके थे। अरे उस हरामखोर के पंख लगे थे क्या, कहां और कैसे भाग गया फिर इतनी जल्दी, कमांडर ने जमीन पर एक मुक्का मारते हुए कहा। उसके मुक्के से ही सभी ओर मिट्टी उड़ने लगी थी। तभी उसके पास खड़े एक रेबल जनरल ने थोड़ा सूंघा और उसके हाव भाव फिर से चमक उठे। वो जोर से चिल्ला पड़ा, कमांडर मुझे एनर्जी की स्मेल आ रही है। क्या
अब सभी लोग वहां इकट्ठे हुए और उस स्मेल को ध्यान से एक्सपीरियंस करने लगे। हवा में वाकई एक अजीब तरह की जीन एनर्जी घूम रही थी। वैसे तो वो काफी कम थी और उन्हें डिटेक्ट कर पाना भी मुश्किल था, मगर जब 7 जीन चेन वाले एक्सपर्ट्स ही उसको एक बार पकड़ ले तो फिर उस पर से अपना अटेंशन कैसे जाने दे सकते थे। ये एक नेचुरल एनर्जी है, एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। ये उस हरामखोर लड़के का काम तो नहीं है। अरे कोई जेनेटिक वेपन भी इस लेवल की एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सही कहा, मुझे लगता है यह कुदरत की एनर्जी है। उन चारों के इन विचारों के बाद ही कमांडर जारिफ ताहिर फिर से ठंडा पड़ गया और बस वो एक बार सामने वाले का बैकग्राउंड पता कर ले, फिर उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। सभी डायरेक्शंस में अटैक करो, जल्दी नेचुरल फॉर्मेशन को तबाह कर दो। उस लड़के को तो जमीन खोद कर भी बाहर निकाल लेंगे साला। ठीक है कमांडर। उन चारों ने अब उस बंजर जमीन पर अपनी अपनी जीन एनर्जी फाड़ डाली, जिससे पत्थरों पर दरार चल उठी और सभी ओर धूल उड़ने लगी। जमीन के नीचे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगे और उस खतरनाक जीन एनर्जी से एक्सपोज होकर वो तुरंत ही जलकर उसी जमीन पर राख हो गए। नीचे उस अंडरग्राउंड जगह पर फिलहाल रॉबिन अपने कानों में सिर्फ भूकंप जैसी हिलने की आवाजें ही सुन पा रहा था। वो नाजुक कुदरती जगह धीरे धीरे टूटती जा रही थी। उस जगह के किनारे पर से काले रंग की दरारें चलना शुरू हो गई, जो कि धीरे धीरे अंदर की जगह को ही खाए जा रही थी। उस छोटी सी जगह को अब उन पतली दरारों ने पूरी तरह से घेर लिया और अब जैसे ही पर्पल रंग की वो बेलियां उन काली दरारों से टकराई तो वो तुरंत ही फट पड़ी और मिट्टी में उनका रस गिरने लगा। ऊपर से किसी भूकंप जैसे हलचल को महसूस करते उस छोटी जगह के कीड़ों ने भी वहीं उड़ना शुरू कर दिया और फिर जल्द ही वहां पर भिनभिनाने की आवाजें गूंज उठी। ऐसे ही एक उड़ता हुआ कीड़ा गलती से उस दरार से टकरा गया और कुछ आवाज निकाल पाता उससे पहले ही उसका छोटा सा शरीर वहीं फट पड़ा। ये नजारा देख अब रॉबिन के भी माथे पर पसीना आ गया था। छोटी जगह भले ही सुंदर और क्यूट लगती हो, मगर ऐसी हलचल वाली सिचुएशन में जब वो गिरने लगे तो उससे बुरी चीज कुछ नहीं हो सकती थी। क्या वो कमांडर और तीनों जनरल रॉबिन को उस जगह से खोद निकालेंगे? क्या रॉबिन उस जगह के गिरने से पहले ही वहां से निकल पाएगा? उस बचे हुए एसेंस खून का रॉबिन अब क्या करने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रॉबिन जिस छोटी सी नेचुरल जगह पर छिपा था वो अब ऊपर हो रही हलचल के कारण गिरने लग चुकी थी। उसके किनारे पर पड़ रही काली दरारें लगभग हर चीज को छूकर उसे फाड़ती जा रही थी, जिससे रॉबिन को भी अब एहसास हो गया कि उसके लिए इस जगह में रुकना मौत को बुलावा देने जितना ही बराबर था। अब हड़बड़ाहट में ही रॉबिन ने उस पत्थर को फिर से छुआ जिससे वो इस जगह में घुसा था और उसमें एनर्जी को ध्यान से महसूस करके ही उसका शरीर अचानक परछाई बन गया और उस जगह से गायब हो गया। बाहर निकल, कमांडर जारिफ ताहिर ने फिर से जमीन में मुक्का दे मारा। वो मिट्टी हर डायरेक्शन से आए हुए उस खतरनाक फोर्स को नहीं झेल पाई और फिर तुरंत ही उस जगह पर किसी मकड़ी के जाले जैसा पैटर्न बन गया, क्योंकि वो मिट्टी उबड़ खाबड़ हो चुकी थी। कमांडर के कुछ मीटर्स पीछे ही अब एक लड़खड़ाता हुआ शरीर प्रकट हुआ, जिसे देखकर ही अब होजोक सेंचुरी के वो चारों लोग खुश हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तू आखिरकार बाहर आ ही गया। कमांडर जारिफ के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उसने और उसके तीनों जनरल्स ने मिलकर अब रॉबिन को बीच में ही घेर लिया। रॉबिन भी उन सभी के बीच में बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कलाइयां मसलते जा रहा था। उसकी उस छोटी जगह में शांति तो थी, मगर जब भी वो सिर ऊंचा करता तो उस जगह की छत या कहे तो बाहरी दुनिया की जमीन से टकरा जाता। उसका शरीर वहां थोड़ा अकड़ सा गया था,
इसलिए ही वो फिलहाल बाहर आकर पहले अपने आप को रिलैक्स किए जा रहा था। अब जब वो चारों लोग उसके करीब आए तो जारिफ ताहिर के हाव भाव अचानक से बदल गए। ये तेरी ताकत इतनी ज्यादा कैसे लग रही है? ये ऑरा इतना खतरनाक कैसे लग रहा है? कहीं तूने ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून को तो अब्सॉर्ब? बाकी तीनों जनरल्स भी अब उसके करीब आते आते रुक गए। ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून का इतनी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाना नामुमकिन था, लेकिन फिर उसके बाद भी रॉबिन का ऑरा इतना खतरनाक क्यों महसूस हो रहा था? इसकी ताकत 7 जीन चेन की तो नहीं थी? साले हराम खोर कुत्ते, तेरी ये मजाल हमारे सामान को चोरी करके खाएगा क्या? कमांडर जारिफ ताहिर अपने ही विचारों में खो चुका था, जिसमें ही उसने कुछ कदम पीछे भी ले लिए। होजोक सेंचुरी की 10 सालों की मैन पावर और रिसोर्सेस को आज एक आउटसाइडर चुरा ले गया था। अगर इस बात को दूसरे फॉलआउट शेल्टर्स वाले सुनते तो जारिफ ताहिर शर्म के मारे अपने जीवन में कभी भी उनके सामने सिर नहीं उठा पाता और उसके नाम का सभी ओर सिर्फ मजाक बनकर रह जाता। रॉबिन को भी कमांडर के ये शब्द थोड़े चुभ गए थे, क्योंकि कोई उस पर डायरेक्टली चोरी का इल्जाम लगाए वो उससे सहन नहीं होता था। सिर्फ एक चोरी की वजह से ही वो अपनी शांत खुशहाल दुनिया से 1000 साल आगे इस भविष्य में आ चुका था, जहां पर जंगली जानवरों और बुरे इरादों के अलावा किसी भी चीज को जगह नहीं दी जा रही थी। हालांकि अब थोड़े गुस्से में ही रॉबिन ने अपनी छाती को छुआ और उस बचे हुए एसेंस खून को निकाला। उसने उसे उन सभी की आंखों के सामने ही लहराते हुए कहा, हाँ, मैंने ही इस एसेंस खून को एब्जॉर्ब किया है, हालांकि अभी भी इसमें थोड़ा और बचा है। अगर तुझे चाहिए तो आकर ले ले, आजा। ये सुनकर ही कमांडर जारिफ ताहिर ने गुस्से में अपने दांत पीसे और एक लंबी सांस लेकर कहा, और वो भी तू ही था ना जिसने उन 4 जंगली सांपों को भड़काया था? तूने ही मेरे सबॉर्डिनेट्स को वो डीमन मून लोटस भी दिया था। रॉबिन ने इस पर इस तरह से सिर हिलाकर हामी भरी, मानो उससे आदर्शवादी और सच्चा आदमी आज तक पैदा ही ना हुआ हो। बिल्कुल सही। इनफैक्ट तेरे को पता है कमांडर, मेरे साथ एक कोइंसिडेंस भी हुआ है। पहले तो मैं सिर्फ तेरे फॉलआउट शेल्टर को चूना लगाने की फिराक में था, लेकिन मुझे क्या पता था कि साथ ही साथ मुझे ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून जैसी जबरदस्त चीज भी मिल जाएगी। कमांडर जारिफ ताहिर का चेहरा रॉबिन के एक एक शब्द को सुन अब और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। उसकी आंखों में से खून के रंग की रोशनी निकल रही थी और उसके हाव भाव कुछ ऐसे हो गए थे मानो वो अभी ही रॉबिन को कच्चा चबा जाने वाला था। उसने अब घूमकर ही अपने बाकी तीनों जनरल से कहा, इस लड़के ने अभी अभी एसेंस खून को एब्जॉर्ब किया है, इसका मतलब वो एसेंस खून अभी भी इसके ही शरीर में होगा। इसकी ताकत की ग्रोथ भी कुछ खास नहीं लग रही, जिससे वो एसेंस खून अभी तक पचा भी नहीं होगा। कैसा रहेगा अगर हम इसे भी मार कर इसकी लाश को उस काले कोहरे के फॉर्मेशन में डाल दे तो? हाँ, इसके शरीर में से वो एसेंस खून फिर से निकल जाएगा। वैसे कमांडर की इस बात पर किसी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन फिलहाल उन तीनों के कमांडर के पीछे आ जाने का यही मतलब था कि वो उसके सपोर्ट में ही खड़े थे। उधर ऐसे शब्दों को सुन रॉबिन के चेहरे पर आदर्शवादी मुस्कुराहट भी अब सामने वाले को आराम से मार डालने की इच्छा में बदल चुकी थी। होजोक सेंचुरी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ गलत काम ही किए थे, तो फिर इनका भी रॉबिन के हाथों मरना बनता ही था। और अब जब वो भी उसे मारकर एसेंस खून को फिर से एक्सट्रैक्ट करना ही चाहते थे, तो फिर तो बातचीत कर मैटर सुलझाने की गुंजाइश ही खत्म हो चुकी थी। जब वो लोग इंसानियत के खिलाफ जा ही रहे थे, तो फिर ये रॉबिन नाम का इंसान भी अब उनके खिलाफ क्यों ना जाता? खूनी आग तरंग, खूनी ड्रैगन, खूनी भस्म, खूनी दानव, वो चारों चिल्लाकर ही अब अलग अलग खूनी आग के मॉन्स्टर्स में तब्दील हो चुके थे। अब वो चारों
खूनी मॉन्स्टर्स एक साथ फ्यूज हुए और फिर से उसी 5 मीटर लंबे खूनी राक्षस में तब्दील हो गए, जिसने पिछली रात ही रॉबिन का 10 किलोमीटर से भी ज्यादा तक पीछा किया था। लड़के, तुझे को तो मरना ही पड़ेगा। अब समझ आएगा तुझे हमारी चीजें चोरी करने का अंजाम। उस खूनी राक्षस की गुस्से भरी दहाड़ के बीच ऐसा लग रहा था मानो 4 लोग एक ही बात को एक साथ चिल्ला रहे हो, जिससे रॉबिन को अपने कानों में खुजली होने लगी थी। फाड़ दे। रॉबिन का भी सीधा पंजा अब एक काली रोशनी के साथ चमका और उसने खूनी राक्षस के ऊपर कूद कर ही अपने उस पंजे से उसके खूनी लिक्विड को पकड़ लिया। काफी स्मूथ टच था। रॉबिन को तो महसूस हुआ कि उसने किसी जेली को पकड़ लिया हो और उसके एक पिंड को फाड़ कर अलग कर दिया। फिलहाल खूनी राक्षस के शरीर पर से भी खून का वो पिंड इसी तरह अलग हो चुका था। अपने शरीर के एक टुकड़े के अलग हो जाने से ही वो खूनी राक्षस जोर से चिल्ला तो पड़ा, मगर फिर भी वो उसको हमला करने से नहीं रोकने वाला था। अब खूनी राक्षस ने भी रॉबिन की ओर एक मुक्का दे मारा। दिव्य अग्नि पंजा। खूनी राक्षस के इस मुक्के से ही अब रॉबिन की छाती में बड़ा सा छेद हो गया। उसकी मुट्ठी में से बाहर निकल रही वो खूनी आग की लपटें भी रॉबिन के शरीर पर हमले के साथ छप गई और अब खूनी लाल चिंगारियां रॉबिन के मांस और खून से टकरा कर मानो रिएक्शन जैसी आवाज पैदा करने लगी। ये तो एक ऐसे। खूनी राक्षस ने अपना मुक्का पीछे लिया और रॉबिन की छाती पर उस मांस और खून को देखा, जो कि काफी तेज रफ्तार से वापस ठीक होते जा रहा था। वो मांस और खून भी खूनी लाल लिक्विड में तब्दील होकर तुरंत ही रॉबिन के शरीर में घुलने लग चुका था और फिर सिर्फ कुछ ही देर में उसकी छाती पर हुआ वो छेद गायब हो गया और उसकी स्किन भी नॉर्मल हो गई। हालांकि कपड़ों पर अभी भी उसी साइज का छेद बना हुआ था। अगर कोई उसे भी नजरअंदाज कर देता तो उसे अपने जीवन में कभी एहसास नहीं होता कि रॉबिन की छाती पर ऐसा हमला भी हुआ था। ये आखिर कैसे मुमकिन है? खूनी राक्षस की आंखें हैरानी और शंका में बड़ी होती चली गई। अरे आखिर तेरे पास ऐसा जीन चेन कहां से आया जिसमें भी खूनी आग की फ्लक्चुएशन हो? तू तो मित्र जीत यारी के कमांड सेंटर से भी नहीं है, फिर तेरे पास ये खूनी आग की जीन चेन कहां से आई? रॉबिन ने इस पर थोड़ा हंसकर कहा, दुनिया में बहुत से कोइंसिडेंसेस हैं। बस उसी तरह मैंने इस खूनी आग की जीन चेन को अवेकन भी कर लिया। नामुमकिन। खूनी राक्षस दहाड़ पड़ा। खूनी आग जीन चेन, या इसके ऑफिशियल नाम से बोलूं तो ब्लड फायर जीन चेन, तो एक नए टाइप का जीन है जिसे सिर्फ ब्लड फायर कैटलिस्ट से ही हासिल किया जा सकता है। उस कैटलिस्ट को भी जॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई सारे जीन रिफाइनिंग एक्सपर्ट जीनियसेस ने मिलकर बनाया है, और वो चीज फिलहाल यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की चीफ के हाथों में सुरक्षित है। तू ये कोइंसिडेंस के गाने गाकर क्या बोलना चाहता है? तुझे ये कैटलिस्ट ऐसे ही सड़क पर मिल गया? उस खूनी राक्षस के इन शब्दों को सुन रॉबिन चौंक गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ब्लड फायर या खूनी आग वाला ये जीन चेन असल में इंसानों द्वारा बनाई हुई ही एक जीन चेन थी। और तो और, उस ब्लड फायर कैटलिस्ट को कंज्यूम करने से भी मौत का कंफर्म टिकट कट जाता है। उसे नेचुरली अवेकन करना भी नामुमकिन है। फिर अब मुझे जल्दी से बता तुझे ये कहां से मिली और तू आखिर है कौन? वो खूनी राक्षस अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो चुका था। पहले तो वो बड़ी बड़ी खूनी लाल आंखों से चिल्लाए जा रहा था, लेकिन अब उसके धुंधले से चेहरे पर डर भी उठने लगा था। तो मित्रजीत यारी के कमांड सेंटर से ही यहाँ आया है ना? हाँ, हमारे होजॉक शेल्टर को तबाह करना चाहता है। कितने बुरे इरादे हैं, कितनी शातिर प्लानिंग है। रॉबिन हंस पड़ा, लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि फिलहाल सामने वाले की इमेजिनेशन को थोड़ा और चलने देना ही ठीक था। जो भी हो, लेकिन तूने मेरी मेहनत को चुराया है।
जिसके लिए मैं तुझे मार कर ही चैन लूंगा। कमांडर जारिफ ताहिर और वो तीनों जनरल्स मित्रजीत के कमांड एरिया में फिलहाल गद्दार थे और अब इस पल वो चारों ही एक कॉमन दुश्मन का सामना भी कर रहे थे। उस खूनी राक्षस के शरीर पर अब खूनी आग की लपटें उठी और उसके चेहरे के आसपास की आग भी लगभग 30% से बढ़ गई। रॉबिन ने भी ये देखकर अपना सिर हिलाया। उसने ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून को भी कंज्यूम कर लिया था और उस खूनी आग वाली जीन चेन को भी हासिल कर लिया। फिलहाल सामने वाले का सबसे ताकतवर हमला भी रॉबिन की नई जीन चेन के सामने ज्यादा असरदार नहीं होने वाला था। तो फिर अब ऐसी सिचुएशन में वो खूनी राक्षस उससे कैसे ही लड़ता? अब इस वक्त उस खूनी राक्षस ने लगभग अपनी सारी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर डाला था। उसके शरीर पर वो खूनी आग की लपटें फिर से ऊपर उठने लगी और अब एक अजीब तरह से बढ़ने भी लगी। इधर रॉबिन का शरीर भी बिजलियों की एक परत में कवर हो चुका था और जब उसने उस खूनी राक्षस की ओर देखा तो वो भी थोड़ा हैरान हो गया। लगता है इंसानों को मरने की इच्छा हो रही है। उस खूनी राक्षस की आखिरी एबिलिटी कितनी खतरनाक हो सकती थी? क्या रॉबिन उस एबिलिटी के सामने टिक पाता या वो भी मारा जाता? रॉबिन की ब्लड फायर जीन चेन जब सामने वाले की भी उसी जीन चेन से टकराती तो फिर क्या होता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब खूनी राक्षस के लोगों को यह पता चला कि रॉबिन उस ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून को खा चुका था तो उनका गुस्सा अब सातवें आसमान पर चढ़ चुका था। अब चाहे रॉबिन कितना ही ताकतवर हो गया हो मगर फिर भी खूनी राक्षस ने उसे मारने के लिए अपनी सारी एबिलिटीज का एक साथ इस्तेमाल कर दिया था। उसकी खूनी आग की लपटें लगातार भभक रही थी और वो पिछली बार से इस बार 3 गुना ज्यादा ताकतवर भी महसूस हो रही थी। हालांकि असल में उस खूनी राक्षस के शरीर में खूनी आग का सोर्स मटेरियल अब लगभग खत्म हो चुका था जिससे फिलहाल वो खूनी आग की लपटें सिर्फ मांस और इंटरनल ऑर्गन्स की मदद से जले जा रही थी। अब वो चारों भले ही एक बार को रॉबिन को हरा भी देते तो भी खुद उनके उस 20 ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आकर गंभीर रूप से घायल होने वाले थे। ये भी कह सकते हैं कि ये लड़ाई उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई हो सकती थी क्योंकि जीतने के बाद उनमें फिर कभी लड़ने की ताकत ही नहीं बचती और हारने के बाद तो वो खुद ही नहीं बचने वाले थे। वो तो शुक्र है 7 जीन चेन की ताकत का, नहीं तो ऐसे सिचुएशन में वो ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आकर तुरंत ही मारे जाते। क्या बेवकूफी है, दूसरों से पहले खुद को ही नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, रॉबिन ने सिर हिलाकर अपने आप से कहा। सामने वाले की मारने की इच्छा इतनी खतरनाक थी कि वो खुद भी साथ साथ मरने को तैयार थे। अब तुझे मरने की इतनी ही तलब है तो मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं। बिजली, रॉबिन के शरीर में अब बिजली दौड़ पड़ी और पर्पल नीली रंग की वो रोशनी अब एक दूसरे से घुलने लगी। उसका शरीर अब धीरे से जमीन से उठकर उस खूनी राक्षस की ओर जाने लगा। खूनी आग अंतिम प्रहार। उस खूनी राक्षस का शरीर भी अब घूमने लगा और आग की वो मोटी लपटें पिघलने लगी। अब वो सूरज के जैसे ही एक गर्म गेंद में तब्दील होकर हवा में उड़ गया और रॉबिन की ओर जोर से आने लगा। रॉबिन की बिजली की ताकत उन खूनी लपटों की आधी ताकत के बराबर भी नहीं थी लेकिन इसके बावजूद उस बिजली का हर एक तीर वाला हमला उस खूनी राक्षस के हड्डियों को नुकसान पहुंचाए जा रहा था। हालांकि जल्द ही रॉबिन का पूरा शरीर भी उन आग की लपटों की चपेट में आ गया और उसकी सारी बिजली बुझ गई। अब फिलहाल उस बंजर जमीन पर सिर्फ चढ़ती हुई खूनी आग की लपटें ही दिखाई दे रही थी लेकिन अब उस खूनी राक्षस का भी पूरा तेल निकल चुका था जिसके तुरंत बाद ही एक जोरदार धमाका उन लपटों के आसपास हुआ और सभी दिशाओं में फैलने लगा। धूल पत्थर कीड़े मकोड़े जो कुछ भी उस धमाके के चपेट में आए तुरंत ही आग की लपटों में ही पिघल गए।
उन खूनी राक्षस और उसकी आग की लपटों का अब विस्फोट हो चुका था और उस विस्फोट का ही असर अब उस पूरी बंजर जगह पर फैलता जा रहा था। हवा में चार शरीर उड़ पड़े और फिर एक साथ ही जमीन पर गिर भी गए। तीनों जनरल अपना एक हाथ और एक पैर खो बैठे। वही कमांडर जारिफ ताहिर के शरीर पर फिलहाल ऊपरी हिस्से और सिर के अलावा कुछ नहीं बचा था। असल में उन चारों ने अपने मांस और हड्डियों को ही उस खूनी राक्षस के फ्यूल में तब्दील कर दिया था और फिर वो अपने सिरों को भी उन खूनी लपटों में डालकर रॉबिन की ओर भाग पड़े थे। उनके घाव जैसे दिख रहे थे, अंदर उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। अगर फिलहाल कोई डॉक्टर उनकी चमड़ी को फाड़ कर देखता तो उसे एहसास होता कि सड़े हुए मांस और खून के अलावा उन चारों के शरीर में कुछ भी नहीं बचा था। उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी किसी बटर की तरह पिघलने लग चुके थे। आधे अभी भी जैसे तैसे काम कर रहे थे और बाकी के आधे तो ऑलरेडी गल चुके थे। उन चारों के शरीर में अब जीन एनर्जी भी तुरंत ही खत्म होने लगी क्योंकि वो एनर्जी ही फिलहाल उनके इन खूनी जख्मों को मेंटेन कर रही थी। क्या हम जीत गए? एक रेबल जनरल ने अपनी आंखें खोलकर कहा। उसका शरीर कमर से आधा कट चुका था जिससे उसकी टूटी कमर पर धारियां भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। खून के बहाव को तो जीन एनर्जी की एक ट्रांसपेरेंट लेयर ने ऑलरेडी रोक दिया था। बाकी के दोनों रेबल जनरल्स अपने जख्मों के मारे चिल्लाए जा रहे थे पर फिलहाल सिर्फ कमांडर जारिफ ताहिर ही अपनी अच्छी खासी ग्रोथ की वजह से टिके हुए थे। शायद अगर उस लड़के की ब्लड फायर जीन चेन पूरी नहीं हुई होगी तो हम जरूर ही जीत गए हैं। ये कहने के बाद ही कमांडर जारिफ ताहिर की आंखें बड़ी हो चली और उसको ऐसे देख बाकी के जनरल्स ने भी अपनी नजरें उस ओर घुमाई। फिलहाल उन चारों की नजरें थी उस बंजर जमीन के गड्ढे में खड़े एक जवान लड़के पर जो कि पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रहा था। उसके जले हुए कपड़ों और चेहरे पर कुछ खून के धब्बों के अलावा उसके शरीर पर जख्म का रत्ती भर भी निशान नहीं था। यह करीबी मामला था, रॉबिन ने अपने आप में सांस छोड़कर कहा। वैसे तो उसके पास 10 जीन चेन्स थी और वो एक और जीन चेन कंप्लीट करने और अपनी ब्लड लाइन अवेकन करने में भी थोड़ा ही पीछे था, मगर उसके बावजूद भी उस खूनी राक्षस के अंतिम प्रहार वाले हमले ने बीच में ही उसके एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से खत्म कर डाला और उसे उस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकाल ही डाला। अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलकर वो अपने इंसान के शरीर से उन खूनी आग की लपटों के चपेट में आ जाता तो उसका हाल भी जमीन पर पड़े उन चार लोगों जैसा ही होता, चाहे फिर उसके पास भी इस तरह की ब्लड फायर जीन चेन क्यों ना हो। हालांकि जिंदगी और मौत के इसी फासले के बीच उसे फिर उस 29% कंप्लीट अनंत दानव जीन चेन ने ही बचाया था। वो जब ट्रांसफॉर्मेशन से वापस इंसान के शरीर में आकर उन खूनी आग की लपटों का शिकार होने ही वाला था कि उसका शरीर भी काला पड़ गया, ठीक उसी तरह से जिस तरह जगजीत खन्ना का शरीर काला पड़ा था। अब रॉबिन का वो काला शरीर उन खूनी आग की लपटों से टकराता जाता और उन्हें अब्सॉर्ब करते जाता। अनंत दानव जीन चेन ने वाकई अपना काम काफी अच्छे से किया था। उसके अलावा भी किस्मत से उस खूनी राक्षस का विस्फोट जल्दी ही हो गया था। अब सिर्फ 29% कंप्लीट होने की वजह से उस अनंत दानव जीन चेन की स्वर्ग का दानव वाली एबिलिटी भी सिर्फ कुछ ही देर तक बनी रही थी और फिर जैसे ही वो गायब हुई तो रॉबिन ने भी फिर से एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अपने आप को बिजली की जीन चेन में तब्दील कर लिया था। वो जॉब सेंचुरी के उन चारों लोगों की नजरों के सामने अब रॉबिन कमांडर जारिफ ताहिर के पास चलकर आगे आया। तूने ऐसा कैसे कर लिया? जारिफ ताहिर ने अपनी आंखें फाड़कर थोड़ा डरते डरते कहा। रॉबिन ने भी इस पर अपना सिर हिलाया। वो फिलहाल पूरी पिक्चर बताने के मूड में नहीं था और फिर एक ऐसे आदमी को अपनी बायोग्राफी बताने में सेंस भी क्या था जो कि थोड़ी ही देर में मरने वाला था। चलो एक बार को रॉबिन वहां आराम से बैठकर बताने भी लग जाता कि हाँ भाई जारिफ ताहिर, मैं रॉबिन नहीं अविनाश हूँ, 1000 साल पहले से आया हूँ, जीन एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, लेकिन
अगर उसकी इन बातों के बीच ही वो कमांडर उस पर एक और पलटवार कर देता तो, अगर अपने आधे शरीर से वो कुछ नहीं भी कर पाता तो भी अपने किसी सीनियर को तो बुला ही सकता था। बिजली। रॉबिन ने अब फिर से अपना एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया और फिर उन चारों के शरीर में बिजली की अनंत लहर दौड़ पड़ी। अब उनके बचने के चांसेस जीरो से भी कम हो चुके थे। सभी मारे गए ये कंफर्म करने के बाद ही अब रॉबिन ने अपना हाथ लंबा करके कहा, जीन एक्सट्रैक्शन। उधर उस फॉर्मेशन में काला कोहरा धीरे धीरे हवा के साथ गायब हो चुका था और उसे इतना खाली देख अब बाकी लोगों के मन में चिंता बढ़ने लगी थी। चारों जंगली सांपों ने डीमन मून लोटस के कुछ टूटे जले हिस्से पर भी एक दूसरे से मारा मारी शुरू कर दी थी, जिससे उस कैंप में काफी हलचल होने लगी थी। ऐसी हलचल और मारा मारी के बीच में ना फंसने के लिए ही अब रेबल आर्मी का वो ब्रिगेडियर जनरल अपने आदमियों को इकट्ठा कर वहां से दूर भाग चुका था। जनरल, अब हमें क्या करना है? एक कर्नल की निगाहें रेबल आर्मी के उस ब्रिगेडियर जनरल की ओर घूमी और उसने डरते डरते ही पूछ डाला। सभी को पता था कि कमांडर जारिफ ताहिर भी कोई अच्छा आदमी तो नहीं था। उसने सभी के सामने ही उस 5 जीन चेन वाले कर्नल के हाथों से वो डीमन मून लोटस छीन लिया था, जो ही कहीं ना कहीं उसकी बदतमीजी का परिचय दे रही थी। वो हमेशा ही सिर्फ अपनी ज्यादा ताकत के घमंड में बदतमीजी से पेश आता था। उन सभी को फिलहाल की सिचुएशन देख यही महसूस हो रहा था कि उनका ड्रैगन दानव शेर के एसेंस खून को पाने का प्लान फेल हो चुका था। और तो और, होजॉक सेंचुरी की लगभग आधी सेना भी खत्म हो चुकी थी। अगर कमांडर को इन बातों से गुस्सा चढ़ जाता तो वो इन लोगों को भी नहीं छोड़ने वाला था। ऐसे विचार लाते हुए ही अब रेबल आर्मी के उस ब्रिगेडियर जनरल के चेहरे पर भी एक क्रूरता छाने लगी। आखिर वो भी एक 6 जीन चेन का एक्सपर्ट था, तो फिर क्यों ही दूसरों के अंडर इस तरह का काम करता? वो जॉक सेंचुरी छोड़ देने के बाद वो भी एक आराम भरी जिंदगी जी सकता था। चलो हम दक्षिण दिशा में तिलक शहर की ओर जाएंगे और थोड़े दिन वहां की मॉन्स्टर मार्शल एसोसिएशन से पनाह मांगेंगे। ब्रिगेडियर जनरल के इस ऑर्डर से बाकी सभी लोगों को थोड़ा डर लगने लगा। बीच के रास्ते में लाइमस्टोन जंगल आता है जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है, साथ ही उसमें बहुत सारे खतरे भरे पड़े हैं। लेकिन अगर कमांडर को पता चल गया तो वो हमारा क्या हाल करेगा? अरे क्या वो मॉन्स्टर मार्शल एसोसिएशन हमारी बात मानेगी भी? भीड़ के इन सवालों पर वो ब्रिगेडियर जनरल गुस्सा होकर चिल्ला पड़ा, अगर तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चलो, अगर नहीं चलना तो रुको यहीं और कमांडर का इंतजार करो, लेकिन फिलहाल इतनी बकबक करने की जरूरत नहीं है। रेबल आर्मी के शब्द खत्म होते ही अब बाकी सभी लोग भी तुरंत ही चुप हो गए और आगे कुछ बोलने की हिम्मत भी खो बैठे। उन्हें यही डर लग रहा था कि कमांडर से पहले ये ब्रिगेडियर जनरल गुस्से से ना पागल हो जाए। जनरल देखो मैंने किसे पकड़ा है, कुछ 3 जीन चेन वाले अवेकन वॉरियर एक रोते हुए भालू को खींच कर लाए। ब्रिगेडियर जनरल ये देखकर चिढ़ गया। तुम लोग इस जानवर को इस वक्त पकड़कर क्या साबित करने लाए हो? हालांकि इसी भालू को देख पास खड़े उस कर्नल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, एक मिनट, मैंने पहले भी इस भालू को देखा है। ये तो वही भालू है जो उस जवान लड़के के साथ था जिस डीमन मून लोटस के पीछे वो जंगली सांप लड़ रहे थे। उसे मुझे उसी लड़के ने दिया था। हाँ, वही इस पूरे कारनामे का दोषी है। कर्नल के इस खुलासे को सुन अब वो ब्रिगेडियर जनरल क्या करने वाला था? क्या वो तिलक शहर जाकर फिर से मॉन्स्टर मार्शल एसोसिएशन से हाथ मिलाकर वहां की शांति भंग करना चाहते थे? वो चारों जंगली सांप अब कहां गए होंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट FM पर।
फॉर्मेशन से भागे उस रेबल जनरल के सामने उसके ही कुछ आदमी अब कालू भालू को पकड़ कर ले आए थे, जिसे देख उसके पास ही खड़ा वो 5 जीन चेन वाला कर्नल भी तुरंत ही जान गया कि ये भालू उस रॉबिन का ही साथी था जिसने उसे डीमन मून लोटस के जाल में फंसाया था। जनरल, ये सब कुछ उस जवान लड़के की वजह से ही हुआ है, वो कर्नल बोल पड़ा। ठीक है, अब उस ब्रिगेडियर जनरल ने अपनी आंखें घुमाकर कहा, हम लोग अपने ओरिजिनल प्लान के मुताबिक ही फिलहाल मॉन्स्टर मार्शल एसोसिएशन के लिए निकलेंगे। अगर रास्ते में हमें कमांडर या उसके वो तीनों जनरल्स रोक लेते हैं तो ये भालू अब उन्हें सौंप देंगे। ठीक है सर। ये ब्रिगेडियर जनरल और बाकी सभी लोग असल में भगोड़े थे, जो 4 जंगली सांपों का आतंक देख उनसे लड़ने के बजाय वहां से भाग निकले थे। इन्हें लग रहा था कि रास्ते में वो कमांडर को वो भालू सौंप कर बच जाएंगे, मगर इन्हें क्या पता था कि कमांडर और उसके तीनों जनरल्स की तो मौत ऑलरेडी रॉबिन के हाथों हो चुकी थी, और वही रॉबिन फिलहाल ऊपर पेड़ पर बैठकर उनकी बकवास सुने जा रहा था। उसने अब उनकी बात खत्म होने पर ही धीरे से कहा, वाह, काफी सटीक प्लानिंग है, बस मुझे मेरा भालू तेरे को वापस करना पड़ेगा। ए, कौन है साला? सारे रेबल्स ने ऊपर की ओर देखा। रॉबिन को देखकर वो 5 जीन चेन वाला कर्नल भी एक्साइटेड हो गया और उसने उसकी ओर ही उंगली उठाकर कहा, अरे हाँ, यही तो वो बदमाश है जिसने मुझे वो लोटस दिया था। रॉबिन ने उस कर्नल की ओर गंभीरता से घूरकर कहा, बकवास मत कर, तूने ही मेरे हाथों से उस डीमन मून लोटस को खजाना समझकर लूटा था। रॉबिन ने अपने इस सेंटेंस पर लूटने वाले शब्द पे ज्यादा जोर डाला, जिसे सुनकर उस 5 जीन चेन वाले स्कूल ऑफिसर कर्नल का चेहरा लाल पड़ गया और वो कूद कर बोल पड़ा, चुप हरामखोर, मैंने तेरे से कुछ नहीं लूटा, तूने ही मुझे वो लोटस थमाया था। मैं एक स्कूल ऑफिसर हूं, समझा, ऐसे नीच काम नहीं करता हूं। रेबल सोल्जर्स उस कर्नल की ओर देख रहे थे जिसका चेहरा लाल पड़ चुका था। आखिर वो भी समझ ही चुके थे कि इस कर्नल ने वाकई किसी और का खजाना छीनने की कोशिश करी थी और फिर उसी खजाने को कमांडर ने अपने पास ले लिया। अंत में वो खजाना नहीं बल्कि डीमन मून लोटस निकला, जिसने 4 जंगली सांपों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। हालांकि ये रेबल सोल्जर्स भी अपने आप में कोई अच्छे लोग नहीं थे और फिलहाल उस कर्नल को भी अपनी तरह ही जज कर रहे थे। उनके हिसाब से इन रेबल जनरल्स के लिए तो लूटपाट आम बात थी। खैर, फिर इसी बात से ये भी सार निकाला जा सकता था कि उस डीमन मून लोटस को इस कर्नल ने ही लूटा था, ना कि रॉबिन ने अपने आप से उसे दिया। वो ब्रिगेडियर जनरल भी अब स्कूल ऑफिसर कर्नल की ओर रूखी नजरों से देख रहा था। उसके दिल में उसे एहसास हुआ कि 5 जीन चेन वाले इस आदमी का हाल भी उस कालू भालू की तरह ही था। दोनों ही कमांडर के लिए बस बलि चढ़ जाने वाले बकरे थे। बस फर्क इतना था कि एक को रॉबिन ने बकरा बनाया था और दूसरे को वो जनरल बकरा बनाने वाला था। ज्यादा देर ना करते हुए अब रॉबिन ने भी धमाके के साथ अपना ऑरा खोल डाला। 10 जीन चेन की ताकत वाला वो ऑरा काफी ज्यादा मोटा था, जो कि वहां खड़े सभी लोगों को कुचलता जा रहा था। कौन कौन है और उस क्या नाम था उसका? हाँ, होजोक सेंचुरी से, रॉबिन ने गहरी आवाज में कहा। उसके ऑरा के दबाव में रेबल सोल्जर्स सांस तक नहीं ले पा रहे थे। जिस चेन से उन्होंने कालू भालू को बांध रखा था अब वो भी ढीली पड़ चुकी थी, जिसके बाद ही अब वो भालू अपने पंजे उठाकर रॉबिन की ओर भाग पड़ा। अभी 2 डेप्यूटी कमांडर और 3 जनरल्स और हैं। ये कहते हुए उस ब्रिगेडियर के माथे पर ठंडा पसीना आ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि अगर वो अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी रॉबिन के 3 हमलों से ज्यादा नहीं झेल पाएगा। अब ऐसे डर में उसके पास सच बोलने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। रॉबिन शांत था, फिलहाल वहां काफी सारे लोग थे। अगर वो सच में होजोक सेंचुरी में घुस जाता तो भी इतने कम समय में सभी को तो नहीं मार पाता, और उसके अलावा भी वहां मित्रजीत तैयारी के कमांड सेंटर के भी लोग थे।
जो अपने सीनियर्स को भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में बुला ही सकते थे। जब रॉबिन ने उन चारों लोगों को मारकर उनसे उनकी ब्लड फायर जीन्स एक्सट्रैक्ट करे थे, तो उसकी भी जीन चेन पूरी तरह से रिपेयर होकर और भी ताकतवर हो चुकी थी। रॉबिन ने अब उस कैंप की ओर देखा जहां उन चारों जंगली सांपों ने तबाही मचा दी थी, और फिर एक गहरी आवाज में कहा, वो चारों जंगली सांप कहां भाग गए? रॉबिन का यह सवाल सुनकर ही उस ब्रिगेडियर जनरल ने लाइमस्टोन जंगल की ओर डर से कांपते हुए पॉइंट किया। उसका वो डर रॉबिन के ऑरा से कम बल्कि उस लाइमस्टोन जंगल से ज्यादा था, क्योंकि एक बार जब वो उस जंगल में घुसा था तो उसे एहसास हुआ कि वो जगह नर्क के बराबर थी, जहां इंसानों की हड्डियां तक नहीं मिलती थी। वो तो समय रहते उस जंगल से बाहर आ गया था, नहीं तो उस ब्रिगेडियर जनरल का फिलहाल कोई अस्तित्व नहीं होता। उसके हिसाब से अगर वो जंगल ऐसे जंगली सांपों को बाहर छोड़ सकता था जिनके पास साथ साथ जीन चीन की ताकत हो, तो फिर भविष्य में वो और क्या क्या बाहर निकाल सकता था। 8 जीन चेन वाला हाथी, 10 जीन चेन वाला कॉकरोच। उधर वो ब्रिगेडियर जनरल डर के मारे कांप रहा था, मगर दूसरी ओर रॉबिन ने खुश होकर उसकी ये जानकारी सुन अपना सिर हिलाया। उन जंगली सांपों ने डीमन मून लोटस को भी खा लिया और तुम्हारे फॉलआउट शेल्टर के कई लोगों को भी। अब उनकी भी हड्डियां और मसल्स और मजबूत हो गई होंगी। लगता है उन्हें खाने में काफी मजा आएगा। मैं अभी जाकर सालों को पकड़ता हूँ। रॉबिन की ये शब्द कहते कहते जुबान भी लपलपा रही थी, जिसे देख उन रेबल्स की इतनी बुरी फट चुकी थी कि वो अपनी आंख तक नहीं झपका पा रहे थे। उन रेबल्स की आंखों में तो कमजोर ही ताकतवर का शिकार बनता था, और ताकतवरों ने भी हमेशा से ही कमजोरों को नीच नजर से देखा था, जिससे उन्हें लगा कि रॉबिन चाहे जितनी ही चिकनी बातें कर रहा हो, लेकिन शायद वो भी अब उन सांपों का शिकार ही बनने वाला था। उधर रॉबिन ने अपना सिर घुमाकर 2 कदम चला ही था कि उसे फिर कुछ याद आया, और उसने घूमकर कहा, और हाँ, तुम्हारे कमांडर और उन तीनों जनरल्स ने आपस में उस ड्रैगन दानव शेर के खून एसेंस का बड़ा हिस्सा बांट लिया, और फिर वो भाग निकले। मैं जैसे तैसे उसका आधा हिस्सा ही हासिल कर पाया हूं। उन जंगली सांपों को खाने के बाद ही मैं ओजॉक सेंचुरी आकर इस हिस्से का हिसाब करूंगा। ये कहते हुए रॉबिन ने अपने पास से उस फीके लाल रंग के एसेंस खून को भी निकालकर उन सभी के सामने लहराया था। फिर उसने एक हाथ से वो आधा हिस्सा अपने एक हाथ में रखा और दूसरे हाथ से उस पागल भालू को वो खींचकर लाइमस्टोन जंगल में चल पड़ा। रॉबिन के जाने के बाद से ही वहां बना वो दबाव देने वाला ऑरा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। ये कम से कम 8 जीन चेन है या फिर उससे भी ऊंची, कमांडर से तो ज्यादा ही ताकतवर है। रिवेल ब्रिगेडियर जनरल ने उस स्कूल ऑफिसर कर्नल की ओर देखकर कहा, जो कि फिलहाल उस ऑरा के दबाव में अभी भी जमीन पर ही लेटा था। तो फिर अब हम, एक ऑफिसर जैसे तैसे उठा और उसने सावधानी से पूछा, क्या हम अब भी तिलक शहर जाने वाले हैं? ब्रिगेडियर जनरल ने उस ऑफिसर को इसके इस सवाल पर तमाचा दे मारा और डांट दिया, अरे अकल के अंधे, तुझे दिख नहीं रहा वो 8 से 9 जीन चेन का पागल अभी भी लाइमस्टोन जंगल में ही है? अगर तुझे मरने का शौक है ना, बहुत शौक है ना, तो अकेले ही जाकर मर जा। ये कहने के बाद ही फिर ब्रिगेडियर जनरल ने उस कर्नल को पकड़ा जिसने रॉबिन से डीमन मून लोटस छीना था, और इस हरामजादे को तो होजॉक सेंचुरी वापस ले चलो, इसके लिए तो डेप्यूटी से ही ऑर्डर सुनेंगे। अब सभी अवेकेंड वॉरियर्स दूसरे मरे हुए लोगों की लाशों को जलाकर उस एक बचे अपराधी को होजॉक सेंचुरी ले जाने लगे। रॉबिन भी लाइमस्टोन जंगल में खड़े खड़े उन्हें जाते हुए देख रहा था। तिलक शहर छोड़े लगभग मुझे 8 दिन हो चुके हैं। ये पायरोक्सन फॉलआउट शेल्टर भी इन दिनों सत्ता और प्रॉफिट के लिए जरूर लड़ेगा, जिससे तिलक शहर पर भी खतरा बना रहेगा। अब फिलहाल मेरे पास तिलक शहर वापस जाने जितना समय तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इस लाइमस्टोन जंगल में रहूं तो करिश्मा कॉमर्स चेंबर को वहां से निकलने के लिए 1 से 2 महीने का समय तो दे ही सकता हूं। बस अब वो वहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाए तो अच्छा है।
रॉबिन हुजॉक सेंचुरी में सभी को मार गिराकर घुस तो सकता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उनमें से कोई भी बच जाता तो वो डेफिनेटली तिलक शहर में मॉन्स्टर मार्शल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पास जाता, और फिर जब उसे पता चलता कि उस प्रेसिडेंट की तो ऑलरेडी मौत हो चुकी है, तो फिर वो करिश्मा कॉमर्स चेंबर को दोषी ठहराकर उन पर हमला कर देता। लेट्स गो। रॉबिन ने कालू भालू की पीठ थपथपाकर पूरब दिशा की ओर चलना जारी रखा। रॉबिन के हाथों में ड्रैगन दानव शेर के उस एसेंस खून को देख कालू धीमी आवाज में तलब उठा। रॉबिन ने उसकी ये तलब देख अपनी आंखें घुमाई। उस कालू भालू के लिए जो डीमन मून लोटस उसने चुराया था वो ऑलरेडी सांप खा चुके थे। अब फिलहाल उसे उस एसेंस खून की भी अपने लिए कोई जरूरत नहीं लगने वाली थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस बचे हुए हिस्से को कालू को ही खिला दिया जाए। जीन एक्सट्रैक्शन। रॉबिन के हाथों में उस फीके लाल रंग के एसेंस खून में से अब धुआं निकलना शुरू हो गया। उस एसेंस खून के अंदर और भी ज्यादा बुलबुले उठते जा रहे थे, जिससे उसमें अब हलचल भी होने लग चुकी थी। ये नजारा देख कालू भालू की आंखें भी चमक उठी। वैसे उस एसेंस खून से निकल रहे धुएं की ताकत डीमन मून लोटस के सामने तो कुछ नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स था। धुएं की वो जीन एनर्जी उसके मुंह में घुसकर तेजी से बढ़ती गई। हालांकि जल्दी ही उस भालू की भी हड्डियों में से दर्द उठना चालू हो गया था। कह सकते हैं कि अब वो भालू भी उसी दर्द की राह पर चल उठा था जिस पर कभी रॉबिन और फिर बाद में मधु भी चली थी। उस भालू की दहाड़ ने जंगल में सभी पक्षियों को चकाचौंध कर डाला। जहां तक नजरें जा रही थी वहां पर धूल और पत्थरों से भरी बंजर जमीन ही दिखाई दे रही थी। दोनों के सिर पर धूप की तेज रोशनी थी और नीचे पेड़ पौधों का अभाव। सभी जानवर भी अंडरग्राउंड होकर छिपे हुए थे, क्योंकि ऐसे वातावरण में खाना ढूंढ पाना काफी मुश्किल था। एसेंस खून को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस कालू भालू में किस तरह की ताकत आने वाली थी? क्या रॉबिन सच में जाकर उन जंगली सांपों को खाने वाला था? हुजॉक सेंचुरी में अब उस 5 जीन चेन वाले कर्नल का क्या हाल होने वाला था? आपको क्या लगता है? क्या हो? रॉबिन जिस छोटी सी नेचुरल जगह पर छिपा था वो अब ऊपर हो रही हलचल के कारण गिरने लग चुकी थी। उसके किनारे रॉबिन अब हुजॉक सेंचुरी के चारों कमांडर को मारकर और उस कर्नल को ही डीमन मून लोटस के लिए दोषी ठहराकर कालू भालू को लेकर लाइमस्टोन जंगल में चल पड़ा था। अब 10 दिनों तक उस बंजर जमीन पर चलने के बाद भी रॉबिन और कालू भालू सिर्फ कुछ जंगली खरगोशों को ही पकड़ पाए थे, और उसके अलावा खाने के नाम पर उन्हें कुछ भी खास नहीं मिला था। ये जगह इतनी बंजर है कि यहाँ पर पानी की एक बूंद को भी ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। इंसान तो छोड़ो, ऐसी जगह पर तो खास जंगली जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे, रॉबिन ने अफसोस भरी सांस छोड़ते हुए कहा। उसकी जीन एनर्जी के सपोर्ट से वो तो लगभग 1 महीने तक और टिक सकता था, लेकिन दिक्कत कालू भालू की थी। कालू भालू अब एक खास जंगली जानवर बन चुका था जिसने अपनी जीन चेन थोड़े दिनों पहले ही अवेकन की थी। अगर वो लगातार मेहनत भी करे तो भी उसके शरीर में जीन एनर्जी इतने दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। अब 10 दिनों से भी ज्यादा से कालू का शाइनी काला फर अब डल और सूखा दिखाई देने लग चुका था। कालू की नाक में अचानक खुजली हुई, मानो उसने फिर से किसी चीज को सूंघ लिया हो। रॉबिन ने उसकी ओर हैरानी से देखा। तू तो एक भालू है ना, अब तूने फिर से क्या सूंघ लिया? कुछ दिन पहले ही कालू भालू ने धूल के अंदर एक खरगोश के गड्ढे को खोदा था और उसमें 2 खरगोश भी निकाल लिए थे। वो जंगली जानवरों की स्मेल को अपनी नाक से आसानी से सूंघ सकता था, जिससे रॉबिन काफी इंप्रेस था। इसलिए ही उसने फिर से उससे पूछा। कालू अपने छोटे कदमों के साथ भागने लगा और एक पीले पत्थर के नीचे रुक गया। उसने फिर उस पत्थर को जोर लगाकर वहां से हटाया। उस पत्थर के नीचे 1 स्क्वायर इंच जितनी साइज की गीली मिट्टी इकट्ठा हो चुकी थी।
कुछ काली चींटियां उसके नीचे अपने अड्डे भी बना रही थी और वो वहां पर काफी अच्छे से सर्वाइव और ग्रोथ करते भी महसूस हो रही थी। वहां पर कुछ तरबूज भी थे जो कि एक गेंद के आकार में बदल चुके थे, साथ ही कुछ अजीब कीड़े मकोड़े जिनके काफी सारे पैर थे। कालू भालू ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था और अब इतने सारे कीड़े मकोड़ों को देख उसे ऐसा लगा कि यही उसके लिए 56 भोग थे। उसके मुंह में पानी आ गया और आंखें लाल हो गई थी। कीड़े मकोड़े, रॉबिन ने अपने होंठ दबाए और सिर घुमा लिया ताकि वो कालू भालू को नहीं देखे। वैसे तो अवेकन वॉरियर्स की खतरनाक डाइजेस्ट करने की एबिलिटी के साथ वो सारे कीड़े मकोड़े उसके पेट में भी प्रोटीन ही थे, मगर फिर भी रॉबिन फिलहाल कीड़े मकोड़े तो जरूर से नहीं खाना चाहता था। अब जब कालू भालू उन कीड़े मकोड़ों को चट करते जा रहा था तभी रॉबिन ने भी दूर की ओर देखा और वो अचानक खुश हो गया। उसे दूरी में एक धुंधली सी जगह दिखाई दे रही थी जो कि किसी शहर से कम नहीं लग रही थी। रॉबिन खुश इसलिए था क्योंकि किसी बसावट को देखे उसे काफी समय हो चुका था और अब इतने दिनों तक चलने के बाद आखिरकार उसे एक शहर नजर आ ही गया। वो जितना उसके करीब जाता वो शहर रॉबिन को उतना ही खास लगता। वो शहर धूल के पहाड़ों से घिरा हुआ था और उसकी दीवारें लगभग अंततः ही दिखाई दे रही थी। दरवाजे पर से काफी सारे लोग अंदर जाते आते भी दिखाई दे रहे थे। दरवाजे के बाहर ही गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी जिसमें हर तरह के खास जानवर नजर आ रहे थे। इंसानों की भी काफी भीड़ थी और अब उसी भीड़ की लाइन के आखिरी में खड़ा था अपने भालू को लेकर अपना रॉबिन। ऐसे हाल में वो फिलहाल आकर्षित कम और जंगली ज्यादा दिखाई दे रहा था। हेलो वीकेंड वॉरियर, क्या आप शहर में सामान खरीदने जा रहे हैं? जैसे ही रॉबिन शहर में घुसने लग गया उसे तुरंत ही किसी ने रोक लिया और वो मीठी आवाज में बोल पड़ा। रॉबिन ने उसके इस सवाल पर हामी भरी क्योंकि उसे भी मटेरियल्स और रिसोर्सेस तो खरीदने ही थे। रॉबिन के पास भी फिलहाल इन चीजों की कमी थी। तिलक शहर में वो इन्हें खरीद नहीं पाया था और उसके बाद भी उसके कई सारे दिन जंगल में ही गुजर गए थे। हाँ, मुझे सामान ही खरीदने हैं। क्या यहाँ कोई ऐसी चीज है या कोई जगह है जिसे आप सजेस्ट कर सके? उस आदमी ने अब खुशी से जवाब दिया। फिर आपने बिल्कुल सही आदमी से पूछा है। एक्चुअली महानदी शहर के वागले परिवार का ऑक्शन शुरू होने ही वाला है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इनविटेशन लेटर की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आपको चाहिए तो मेरे पास एक इनविटेशन लेटर है। वो आदमी अब अपनी उंगलियां मसल कर हल्का सा हंस पड़ा। रॉबिन उसके शब्दों के अंदर छिपी बात को समझ चुका था और फिर उसने समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्टली पूछ ही लिया, कितने में दोगे वो इनविटेशन लेटर? सिर्फ 20 लो लेवल लाइफ सोर्सेस सर, और ये इनविटेशन लेटर आपका। वो आदमी खुशी के मारे झूम उठा था। उसने तुरंत ही अपने पास से एक नए और मोटे कागज का कार्ड निकाला जिस पर कुछ आलीशान ड्रॉइंग भी बनी हुई थी। रॉबिन फिलहाल और कुछ कहने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहता था, इसलिए उसने भी अपने पास से 20 लो लेवल के लाइफ सोर्सेस निकालकर उस आदमी की ओर फेंक डाले। ये लो और मुझे वहां ले चलो, मैं नहीं जानता वो ऑक्शन कहां हो रहा है। बिल्कुल सर, प्लीज आइए मेरे साथ, उस आदमी ने बोला। महानदी शहर नाम है क्या यहाँ का? मेरे हिसाब से तो रेत नदी शहर नाम होना चाहिए था। रॉबिन ने उस आदमी के साथ चलते चलते अपने चेहरे पर हवा के झोंके से रेत टकराती महसूस करी, इसलिए ही वो थोड़ा मजाक में बोल पड़ा। उसे अब ये भी समझ आया कि यहाँ आए सभी लोगों ने चोगा या घूंघट क्यों पहन रखा था। उस आदमी ने हंसकर कहा, सर आपको पता नहीं होगा मगर इस महानदी शहर में लगभग 40 साल पहले एक बहुत बड़ी नदी बहा करती थी जिसका नाम महान नदी था। हालांकि फिर बाद में एक खतरनाक जंगली जानवर आया और उसने उस महान नदी का सारा पानी पी लिया, जिसके बाद से ये जगह भी रेगिस्तान बन गई और इसके नाम महानदी को न्याय नहीं मिल पाया। एक जंगली जानवर पूरी नदी पी गया? आखिर उसका पेट ऐसा कितना बड़ा था? रॉबिन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर इस कहानी को बाजार में फैली एक अफवाह का दर्जा देकर भूल जाना ही ठीक समझा।
फिलहाल वो आसपास देखने में ही ध्यान लगा रहा था। मास्टर अवेकेंड वॉरियर, ये रहा ऑक्शन, ये थोड़ी देर में ही स्टार्ट होगा, लेकिन आप पहले भी घुस सकते हैं, उस आदमी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी मुस्कुराहट के पीछे खुशी इस बात की थी कि उसने हाल ही में बिना कुछ किए ही 20 लाइफ सोर्सेस कमा लिए थे। और हाँ, अब वो आदमी पास आकर रॉबिन के कान में फुसफुसाने लगा। महानदी शहर में काफी सारे फोर्सेस हैं मास्टर, आप थोड़ा सावधान रहिएगा। रॉबिन ने उसकी इस चेतावनी पर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, थैंक यू, आप अभी जा सकते हैं। ऑक्शन के बाहर कुछ 2-3 अवेकन वॉरियर्स लंबे लंबे चोगे पहने इकट्ठा हुए थे और धीमी आवाज में बातें किए जा रहे थे। वहां पर कुछ अमीर लोग भी थे जो कि ऑक्शन घर में काफी आलीशान तरह से घुसे जा रहे थे। उनकी झलक देखने के लिए आसपास लोग भी इकट्ठा हुए जा रहे थे। रॉबिन और कालू भालू भी अब थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके ऑक्शन के उस आलीशान हॉल की तरफ बढ़ने लगे। इनविटेशन लेटर दिखाइए। एक यूनिफॉर्म पहने गार्ड ने अपना हाथ रॉबिन की ओर लंबा किया। रॉबिन ने उसे इनविटेशन लेटर थमाया और फिर वो गार्ड की नजरें रॉबिन से चलकर उसके पीछे उस भालू की ओर रुक गई। इसका भी इनविटेशन लेटर लगेगा? रॉबिन चिढ़ गया। मेरे पास तो एक ही है, और खरीद सकता हूं क्या? वो आलसी गार्ड हंस पड़ा और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने अब अपनी 3 उंगलियों को खींचकर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल, सिर्फ 300 लाइफ सोर्सेस में, इतना महंगा? रॉबिन ने उसकी ओर शंका से देखते हुए कहा। ये कीमत में तो कुछ गड़बड़ है ना? एंट्रेंस पर खड़े उस आदमी ने फिर रॉबिन की ओर सिर से पैर तक नजर घुमाई और ये देखा कि उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। उसके पीछे खड़े उस कालू भालू का फर भी काफी सूखा नजर आ रहा था, जिस पर काफी सारी धूल मिट्टी लगी हुई थी। सब नोटिस करके ही वो गार्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सामने खड़ा ये जवान लड़का जरूर कोई रॉक प्रैक्टिसर ही था, जिसके पास थोड़ी ताकत भी थी। इस तरह के इंसान के पीछे कोई भी नहीं होता था, इसलिए इन्हें आसानी से लूटा जा सकता था। रॉक प्रैक्टिसर उन लोगों को कहा जाता था जो कि अकेले ही अपने दम पर जंगली इलाकों में जीवन बिताया करते और ट्रेनिंग किया करते। मैंने बोला ना, 300 मतलब 300, अगर तुम नहीं खरीदना चाहते तो तुम अंदर भी नहीं जा सकते। उसने उस इनविटेशन लेटर को रॉबिन की ओर वापस फेंका और अपना सिर ऊंचा कर रूखी सांस छोड़ते हुए कहा। रॉबिन इस पर चिढ़ पड़ा और उसकी आंखों में फिर से मार डालने की इच्छा जाग उठी। हालांकि फिलहाल ऑक्शन में ही किसी और के सबॉर्डिनेट को मार डालना थोड़ा ज्यादा हो जाता, इसलिए उसने अपने आप को काबू किया। रॉबिन आसपास से गुजरते लोगों को आकर्षित भी करते जा रहा था, क्योंकि ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले लोग तो अमीर और शाही थे, वहीं ये रॉबिन फटे हुए कपड़ों में आया था। वो अब उसके आसपास खड़े होकर उस पर उंगली भी उठाने लगे थे। सिकंदर, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अचानक रॉबिन के पीछे से एक जवान लड़की की आवाज आई। हालांकि उसकी इस आवाज में काफी खतरनाक गुस्सा महसूस हो रहा था। रॉबिन को परेशान करने वाला वो गार्ड तुरंत ही उस आवाज को सुन अपने चौड़े सीने को सिकुड़ लिया और वो उस लड़की की तरफ डर से देखने लगा। रॉबिन ने भी जब अपना सिर घुमाकर देखा तो एक फुर्तीली और कड़ी लड़की जल्दी जल्दी आगे आने लगी। उसका चेहरा सफेद घूंघट से ढका था और उसकी लंबी और पतली आंखों में काफी जोश दिखाई दे रहा था। उस सिकंदर नाम के गार्ड ने उसकी ओर देखा और डर में अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि वो उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। उस लंबी लड़की ने अब रॉबिन की ओर देखा और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आई एम सॉरी कस्टमर, वागले परिवार का ये ऑक्शन आपकी खातिरदारी नहीं कर पाया जिससे आपको परेशानी हुई, इसलिए उसके कॉम्पेंसेशन में हम आपको एक प्राइवेट रूम फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपका ये पालतू कंपेनियन भी रह सकता है। रॉबिन इस ऑफर से खुश था, इसलिए उसने अब गार्ड से बिना बहस किए ही कह डाला, थैंक यू। उस लड़की ने सिर हिलाकर अब गार्ड की ओर रूखी नजर से देखा। सिकंदर, आज का ये मैटर तो मैं जरूर ही पिताजी को बताऊंगी। ये सुनकर सिकंदर चौंक उठा। कजिन, प्लीज पितामा को इसके बारे में मत बताओ। पहले वापस जाओ। उस लड़की ने अब सिकंदर नाम को इशारा किया। जब उसने फिर से रॉबिन की ओर सिर घुमाया
तो उसके हाव भाव ऐसे हो गए मानो वो भी रॉबिन के प्यार में गिर गई हो। मिस्टर अवेकेंड वॉरियर, आप मेरे साथ आइए। ठीक है, रॉबिन ने सिर हिलाया और फिर उसने पीछे सिकंदर और उसके चेहरे पर मुरझाए हुए हाव भाव भी देखे। उसे एहसास नहीं हुआ कि ये गार्ड कोई आम इंसान नहीं बल्कि पिता माँ की बेटी का कजिन ही था। हालांकि रॉबिन ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया, आखिर दूसरों के पारिवारिक मसलों में उसे क्या ही लेना देना था। अब ऑक्शन में आकर रॉबिन क्या खरीदने वाला था? क्या वागले परिवार के लोगों की ताकत रॉबिन से भी ज्यादा थी? क्या वो लड़की वाकई रॉबिन के प्यार में गिर चुकी थी या फिर सिर्फ उसको कस्टमर की नजरों से देखकर अच्छे से पेश आ रही थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रॉबिन और कालू भालू को ऑक्शन में जाने से अब एंट्रेंस पर खड़े सिकंदर नाम के गार्ड ने रोक लिया था और वो इसका फायदा उठाकर 300 लाइफ सोर्सेस भी मांगने लगा। हालांकि जल्द ही पीछे से एक लड़की आई और उसने रॉबिन की तकलीफ को समझकर उसे एक प्राइवेट रूम देने का ऑफर दिया, जिसे रॉबिन ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। अब अपने रूम की ओर उस लड़की के पीछे पीछे जाते रॉबिन के रास्ते में कोई भी बाधाएं नहीं आ रही थी। वो लड़की इस जगह की मैनेजर लग रही थी क्योंकि उसके सामने आ रहा हर इंसान उससे झुककर नमस्ते कर रहा था। हैं? ये तो मिस हानिया है ना? शर्ट पहने एक जवान मास्टर अपने हाथों में पंखा लहराकर बोल पड़ा। उसके पीछे कई सारे बॉडीगार्ड्स सूट पहने खड़े थे जिनके ऑरा भी अलग अलग ताकत के नजर आ रहे थे। अब उस आदमी ने हानिया नाम की उस लड़की और रॉबिन को रोक दिया। वासिफ, हानिया थोड़ी चिढ़ पड़ी। मैं काम कर रही हूं, अभी दूर रहो। ये सुनकर वासिफ नाम का वो जवान मास्टर अभी भी मानने को तैयार नहीं था। हानिया, तुमने आज ऑक्शन में क्या क्या देखा? मैं तो कुछ खरीदने के मूड में नहीं हूं लेकिन मेरे पास लाइफ सोर्सेस खूब है, तुम कहो तो तुम्हें कुछ दिला दूं। हानिया ने अपने चेहरे से सफेद घूंघट उठाया और उसके लाल होठ अब एक रूखी मुस्कुराहट में तब्दील हो गए। ऑक्शन को उसी के परिवार ने खोला था और इस ऑक्शन की मैनेजर होने के नाते भी वो लिस्ट में लगे किसी भी सामान को कभी भी निकाल सकती थी और फिर बाद में लाइफ सोर्सेस से खुद ही उसे कम दाम में खरीद लेती। आखिर उसको क्या ही जरूरत आन पड़ी थी कि वो दूसरों के लाइफ सोर्सेस से अब चीजें खरीदे। हानिया के इस एटीट्यूड ने वासिफ को भी थोड़ा परेशान कर दिया था। हालांकि फिर भी वासिफ ने फिलहाल उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं करी। वो अब सिर्फ हानिया के पास खड़े उस आदमी को देख रहा था जिसके चेहरे पर धूल जमी हुई थी। अब वासिफ ने अपना पंखा लहराया और वो रॉबिन की ओर चिल्ला पड़ा। क्या देख रहा है बे? पहले कभी किसी जवान मास्टर को लड़कियों से बात करते नहीं देखा क्या? भागे आज से। रॉबिन ऑलरेडी बोर हो चुका था, उसके फिलहाल सिर्फ कपड़े ही खराब थे लेकिन लोग अब उसे देखकर ही उसको नीच नजर से क्यों आंक रहे थे? क्या उन्हें ये लग रहा था कि ये कोई छोटे मोटे कैंप से आया एक दो जीन चेन का वेकेंट वॉरियर है जिसे आसानी से कुछ भी बोला जा सकता है? खैर, अब रॉबिन ने भी एक रूखी सांस छोड़ दी जिसमें उसकी 10 जीन चेन की ताकत भी हल्की सी झलक गई थी। इस सांस को देख वो एक जीन चेन वाला जवान मास्टर बुरी तरह चौंक उठा और डर के मारे पीछे कदम लेकर गार्ड से टकरा गया। तू? वासिफ की आंखें बड़ी हो चली। उसे अचानक ऐसा लगने लगा मानो किसी ने उसके दिल को पकड़कर निचोड़ दिया हो, जिससे उसकी छाती में भी अब दर्द होने लग गया था। अगर पीछे उसको वो गार्ड पकड़कर सपोर्ट नहीं करता तो वो वहीं पर गिर भी जाता। क्या हुआ बे? रॉबिन की भी आंखें बड़ी हो चली और उसमें खूनी आग की एक लहर भी झलक उठी। उन खूनी आग की लपटों में इतनी ताकत थी कि वो वहां खड़े हर एक इंसान को जिंदा जलाकर राख बना सकती थी। रॉबिन की अब रूखी नजरों को देख वासिफ नाम के उस जवान मास्टर की भी दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई। उसके दिमाग में अचानक काफी सारे खूनी नजारे झलकने लगे जिससे वो बुरी तरह कांप उठा। उसने नीचे देखा तो उसके शरीर का अब आधा हिस्सा गीला हो चुका था
और हवा में एक बदबू फैलने लग गई थी। वासिफ! हानिया का प्यारा चेहरा अब गुस्से से पिलपिला पड़ा था और उसने तुरंत ही अपने मुंह और नाक को उस बदबू से बचने के लिए ढक लिया। वैसे तो ये वासिफ अक्सर वागले परिवार के ऑक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही था, लेकिन इस बार तो उसने मेहमानों के सामने ही रूल्स और रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा दी थी। इस बार उसने अपनी हरकतों की सारी हदें पार कर दी। मुझे माफ कर दो। वासिफ अपनी गीली पैंट को पकड़कर अब तुरंत ही वहां से भाग निकला। भागते भागते उसकी पैंट में से पेशाब भी नीचे बहता जा रहा था। उसके साथ खड़े गार्ड्स भी अब उस जवान मास्टर के पीछे पीछे ही मजबूरी में जाने लगे। हानिया भी एक बड़े परिवार की बेटी थी जिसने कई तरह की जंग और अजीब जानवरों का सामना किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मेहमानों के सामने इस तरह के शर्मनाक हादसे उसकी सहनशीलता से बाहर थे। माफ कीजिएगा सर, शायद हमने आपको काफी परेशानी दे दी है। हानिया ने अब अपना रूखा बर्ताव बदल कर विनम्रता से रॉबिन की ओर झुककर माफी मांगी, जिसे देख आसपास गुजरते लोगों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। उन सभी ने अपने मन में सोचा कि आखिर इस लड़के का ऐसा कैसा बैकग्राउंड था जिसकी वजह से लतीफ परिवार की बेटी खुद इसे रास्ते से लेकर जा रही थी। हालांकि किस्मत से रॉबिन जल्दी आ पहुंचा था, जिस वजह से उस जवान मास्टर वासिफ के अलावा उसने और किसी भी अमीर जवान मास्टर को तो नहीं ही भड़काया था। अब रॉबिन ने अपना हाथ हल्के से हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, अब मुझे प्राइवेट रूम पर लेकर चलो। अब चाहे ऑक्शन घर में घुसने वाला सिकंदर लतीफ हो, जवान मास्टर वासिफ हो, या फिर उसके सामने ही खड़ी वो जवान लड़की हानिया लतीफ हो, ये सभी लोग रॉबिन के सामने काफी कमजोर थे, इसलिए वो उन्हें सीरियसली ले भी नहीं रहा था। प्राइवेट रूम ऑक्शन घर के सेकंड फ्लोर पर था और वहां का माहौल काफी शानो शौकत वाला महसूस हो रहा था। उस रूम में एक सोफा था, एक बाथरूम और सामने एक बड़ा सा टीवी भी लगा हुआ था। उस रूम में अपने हाथों में एक प्लेट पकड़े एक लड़की भी अपने मेहमान के इंतजार में खड़ी थी। ऑक्शन शुरू हो जाने के बाद मेहमान उसकी लाइव सिचुएशन उस टीवी के जरिए देख सकते थे और अगर उन्हें कुछ खरीदने लायक चीज दिखती तो वो अपना नंबर उस प्लेट पर लिखकर उस लड़की को ले जाने के लिए बोल सकते थे। आप सभी काफी दूर से आए हुए लग रहे हैं, पहले आप अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। हम कॉमर्स चेंबर के कुछ कपड़े भी आपको प्रोवाइड करेंगे जिनसे आप आपकी साइज चुन सकते हैं। अब मैं यहां से चलती हूं। दरवाजा बंद कर जाते वक्त हानिया के चेहरे पर एक फॉर्मल मुस्कान थी। हाँ। रॉबिन उसके जाने के बाद सोफे पर लेट गया और उसने कालू की ओर हाथ हिलाकर उसे नहाने का इशारा किया। वैसे तो वो भालू जंगली था लेकिन बुद्धू नहीं, इसलिए बाथरूम में शॉवर को वो आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। रॉबिन ने अब रूम में खड़ी उस लड़की की ओर हाथ हिलाया। हेलो सर, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? सफेद यूनिफॉर्म पहने खड़ी वो लड़की काफी लंबी और सीधी नजर आ रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा और छोटे बाल उसके एनर्जेटिक बर्ताव को दर्शा रहे थे। वो रॉबिन के हिसाब से काफी सुंदर और परफेक्ट लग रही थी। बस उसके चेहरे पर वो फॉर्मल मुस्कान रॉबिन को खटक रही थी। ऑक्शन में घुसने के बाद से उसने यहाँ की हर लड़की के चेहरे पर इसी तरह की दिखावटी मुस्कान महसूस करी थी, जिससे उनकी असली सुंदरता भी कहीं ना कहीं फीकी ही लगती थी। खैर जो भी हो, उसे क्या, आखिर ये लड़की भी कोई उसकी बीवी थोड़ी ना थी जो वो उसकी मुस्कान की इतनी परवाह करे। क्या तुम्हारे पास मेहमानों के लिए ऑक्शन की कुछ गाइड है? रॉबिन ने नहा धोकर अपने कपड़े बदल लिए थे और वो अपने हाथों में बर्फ वाली फ्रूट बियर लिए बैठा था। हालांकि उसमें वो बर्फ असल में बर्फ नहीं बल्कि चमकीले लाइफ सोर्सेस ही थे। जी सर, प्लीज आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। उस लड़की ने अपने हील्स पहने और वो बाहर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद ही वो फिर अपने हाथों में एक मोटी किताब लेकर आई और उसने उसे रॉबिन को दे दिया। रॉबिन को लगा कि इस बड़े शहर के ऑक्शन में मिलने वाली चीजें भी एक नजर से ही काफी अनोखी लग रही थी। नैनो कंप्रेसर का एक क्यूबिक मीटर, वर्म खास जानवर का बोन मैरो और यहां तक कि एक जेनेटिक म्यूटेशन मेडिसिन भी उस लिस्ट में शामिल थी।
मिडिल या हाई लेवल के साधारण वॉरियर्स के लिए तो ये जेनेटिक म्यूटेशन मेडिसिन काफी कीमती चीज थी। इसको कंज्यूम करने से उनके शरीर में तुरंत ही जीन चेन अवेकन होने के काफी ज्यादा चांसेस होते थे। इस तरह का ये जीन ड्रग हमेशा से ही बड़े बड़े परिवारों में कमी में रहा करता था। रॉबिन अब उस किताब के पन्नों को जल्दी जल्दी फड़फड़ाता गया और अचानक कुछ इंटरेस्टिंग देखने के बाद ही उसकी आंखें चमक उठी। वो चीज थी रेड स्केल स्टील। फोटो में वो रेड स्केल स्टील एक मुट्ठी की ही साइज की नजर आ रही थी। इस वजह से उसके इस्तेमाल से किसी पूरे नए वेपन को तो नहीं बनाया जा सकता था। हालांकि रॉबिन को याद आया कि जब से उसने अपनी चील तबार उस खुफिया राज्य में खो दी थी, तब से ही उसके पास कोई भी ढंग का हथियार नहीं था। हाँ, उसे वो बहुत ही खतरनाक विषम कांटा वाला जेनेटिक वेपन भी बदले में हासिल हुआ था, लेकिन वो फिलहाल आधा ही था और किसी क्रिटिकल सिचुएशन में सिर्फ उसके आधे हिस्से पर ही निर्भर रहना समझदारी वाली बात तो नहीं थी। रॉबिन ने सोचा कि अगर वो रेड स्केल स्टील से कोई पूरा नया जेनेटिक वेपन नहीं भी बना पाया तो भी उससे इस आधे विषम कांटे को तो रिपेयर कर ही सकता था। रॉबिन की आंखें अब उस भड़कीले लाल रंग के स्टील स्केल पर गड़ चुकी थी जिसे देखकर उसका दिल बहलने लगा था। अगला पन्ना पलटने से पहले वो उस रेड स्टील स्केल की ओर काफी देर तक देखे जा रहा था और फिर आगे के पन्नों पर उसे अलग अलग तरह के खास जानवरों के मटेरियल्स और कुछ जेनेटिक वेपन्स ही नजर आए थे। ये सभी वो आइटम्स थे जो कि ज्यादातर बड़े परिवार या मेजर ग्रुप्स इकट्ठा करते थे। अगर उनकी कीमत आसमान ना छूती तो वो आसानी से नीलाम हो जाया करते थे। अब आखिरी पन्ने पर आने के बाद ही रॉबिन ने एक टॉवर के आकार का कोन देखा जिसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी छपा हुआ था। उसकी कीमत 1000 लाइफ सोर्सेस से शुरू होने वाली थी। आखिर यह आइटम इतना महंगा क्यों था? ज्यादातर जेनेटिक वेपन्स भी सिर्फ 500 लाइफ सोर्सेस से ही शुरू हो रहे थे, फिर इसमें ऐसी क्या बात थी? रॉबिन ने मन ही मन सोचा और फिर उस आइटम के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा। कॉन्सेंट्रेटिंग धूप, कंज्यूमेबल आइटम। वागले परिवार के टेस्टिंग से ये पता चला है कि इस कॉन्सेंट्रेटिंग धूप का मन पर एक शांति बनाने और ध्यान लगाने का असर है। लंबे समय तक के इस्तेमाल में इसका एक स्पेशल इफेक्ट भी है जिसकी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। रॉबिन सिर हिलाकर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसा आइटम था जिसके बारे में ऑक्शन में किसी को जानकारी नहीं थी। वो तो बस उसे कम कीमत पर नहीं बेचना चाहते थे, इसलिए शुरुआती कीमत ही 1000 लाइफ सोर्सेस रख दी थी। अगर बिक गया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और अगर नहीं भी बिका तो अगले ऑक्शन में फिर से सेल में लगा देंगे। वो टॉवर कोन किस तरह की चीज हो सकती थी? क्या रॉबिन उस टॉवर कोन को खरीदने वाला था? रॉबिन के पास फिलहाल कितने लाइफ सोर्सेस हो सकते थे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रॉबिन ने उस ऑक्शन की किताब में अब बिकने वाली चीजों की लिस्ट देखी थी जिसमें उसे सिर्फ दो ही चीजों में दिलचस्पी हुई थी। पहला था वो रेड स्केल स्टील जिससे वो अपने जेनेटिक वेपन को रिपेयर करने वाला था, और दूसरा था वो टॉवर कोन जो कि मन को शांत करने वाली धूप निकालती थी। हालांकि उसकी कीमत लगभग 1000 लाइफ सोर्सेस थी जो कि बाकी चीजों के अलावा भी लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा थी। अब सिर्फ आत्मा को शांत करने वाली इस चीज का इतना महंगा दाम क्यों था? रॉबिन ने अपना सिर हिलाकर सोचा कि भले ही ये आइटम इंटरेस्टिंग दिख रहा हो लेकिन इस पर 1000 लाइफ सोर्सेस बर्बाद करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। उधर बाथरूम में कालू भालू ने अपने गंदे शरीर को तब तक धोया जब तक कि उसका एक एक फर पानी में भीग न गया हो, और अब गर्म पानी की भाप से ही वो वहां से बाहर निकल कर आया। उसने अपना सिर और शरीर झटकारा जिससे हर जगह पानी की बूंदे गिर पड़ी। उधर सफेद यूनिफॉर्म वाली लड़की ने धीरे से रॉबिन को कहा, सर अब ऑक्शन शुरू होने वाला है, क्या मैं टीवी ऑन कर दूं? हाँ,
रॉबिन के जवाब मिलने पर तुरंत ही उस लड़की ने उसके सामने बड़े से टीवी को चालू कर दिया, जिसमें अब ऑक्शनियर का चेहरा चमक उठा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, वागले परिवार के इस शानदार ऑक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं ऑक्शनियर जिनेश योगी। बिना समय बर्बाद किए ही हम अपने ऑक्शन की शुरुआत करते हैं पहले आइटम से, जो कि है ताजे फायर ड्रैगन छिपकली का सिर। स्टार्टिंग कीमत 60 लाइफ सोर्सेस। ऑक्शनियर के शब्द खत्म होते ही उस फायर ड्रैगन छिपकली का सिर और आधा शरीर एक जने ने आगे की ओर धकेल दिया। उसके शरीर के टूटे हुए हिस्से को एक स्पेशल पन्नी में प्रिजर्व करके रखा था। रॉबिन उस लाश के मांस के टेक्सचर को काफी अच्छी तरह से देख पा रहा था। अब एक दूसरे के कान में फुसफुसाकर ही किसी ने अचानक अपनी बोली लगा डाली। 70 लाइफ सोर्सेस, 75 लाइफ सोर्सेस, 100 लाइफ सोर्सेस। अंत में उस फायर ड्रैगन छिपकली के आधे शरीर को एक लंबा चोगा पहने जवान आदमी ने खरीद लिया। उसने अपना सामान उठाया और वह फिर तुरंत ही उस जगह से निकलने भी लगा। ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो ऑक्शन की बाकी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था। हालांकि रॉबिन ने भी अनुमान लगाया कि उसके पास पैसों की भी कमी हो सकती थी। अगला आइटम, जेनेटिक म्यूटेशन पोर्शन की 200 ml की बोतल। ऑक्शनियर जिनेश योगी ने जबरदस्ती चिल्लाकर कहा, दोस्तों ये मेडिसिन लगभग 200 ml है। सोचो कि इससे एक परिवार के लिए कितने सारे अवेकन वॉरियर्स का पालन पोषण किया जा सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज प्लीज अपनी बोली उस नंबर प्लेट पर लगाएं। स्टार्टिंग कीमत है 400 लाइफ सोर्सेस। 405 लाइफ सोर्सेस, 450 लाइफ सोर्सेस, 500 लाइफ सोर्सेस। हमारे ठोस जबड़े एसोसिएशन को इसकी जरूरत है। मुझे आशा है कि आप सभी हमारे ठोस जबड़े एसोसिएशन को थोड़ी इज्जत देंगे, एक नौजवान आदमी बोल पड़ा। साथ ही एक प्राइवेट रूम में से लोगों का झुंड भी खड़ा हो गया। वैसे तो वो इस चीज को लेने के लिए बेताब थे, मगर इससे ज्यादा बोली नहीं लगा सकते थे। ठोस जबड़े एसोसिएशन ने हाल ही में जंगली इलाके में एक छोटे से शहर पर अपना कब्जा जमाया था। वो लोग या तो किसी कबीले को बनाने की फिराक में थे या फिर रेबल आर्मी के लिए एक रेफ्यूज बनने वाले थे। कोई भी उनके एटीट्यूड को तो नहीं जानता था, मगर साथ ही कोई भी इस ताकतवर ठोस जबड़े एसोसिएशन को सिर्फ कुछ जेनेटिक म्यूटेशन पोर्शंस के लिए गुस्सा भी नहीं दिलाना चाहता था। जेनेटिक म्यूटेशन पोर्शन का 200 ml सिर्फ 500 लाइफ सोर्सेस में, रॉबिन ने अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए कहा। उसे ये कीमत काफी सस्ती महसूस हो रही थी। अब ऑक्शन के लिए अगला आइटम है 1560 ग्राम्स का रेड स्केल स्टील। ये रेड स्केल स्टील एक ऐसी जगह से आता है जहां पर भरपूर वॉल्केनिक जीन एनर्जी है। इसका प्रोडक्शन काफी कम है और माइनिंग में भी काफी मेहनत और परेशानियां हैं। ये हमेशा से ही किसी लोहे की चीज को बनाने के लिए उत्तम हथियार रहा है। अवेकन वॉरियर्स, जो इस चीज से अपना मनपसंद हथियार बनाना चाहता हो, बोली लगाना शुरू कर दे। स्टार्टिंग कीमत है 280 लाइट सोर्सेस। रेड स्केल स्टील कीमती था, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम थी। लगभग सभी मेजर फोर्सेस के पास रेड स्केल स्टील के और कुछ मटेरियल्स भी नहीं थे, इसलिए वो अगर अभी इस 1560 ग्राम्स के रेड स्केल स्टील को खरीद लेते तो फिर उन्हें अगले ऑक्शन तक भी और भी ज्यादा रेड स्केल स्टील को खरीदना पड़ता। ये इन्वेस्टमेंट काफी लंबी साबित हो सकती थी, और इतना समय इंतजार करने से अच्छा तो यही होता कि कोई डायरेक्टली ही जाकर एक जेनेटिक वेपन खरीद ले। कस्टमर्स आपस में बातचीत तो कर रहे थे, मगर किसी ने भी अभी तक बोली नहीं लगाई थी। फिर एक लंबे समय के बाद ही उस जगह पर से एक आवाज सुनाई दी। 285 लाइफ सोर्सेस। पहली बोली सुनकर ही अब ऑक्शनियर ने राहत की सांस ली। उसने फिर धीरे से अपना हथौड़ा उठाया और सामने की ओर देखकर कहा, 285 एक बार, क्या और कोई है जो ज्यादा बोली लगाना चाहता है? 285 दो बार। बोली लगाने वाले उस सफेद बाल वाले आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आने लगी थी। उसे लग रहा था कि जब दूसरे बोली नहीं लगा रहे थे तो इस रेड स्केल स्टील को हासिल करना काफी आसान था।
हालांकि फिर तभी रॉबिन ने भी प्लेट पर एक नंबर लिखा और अपने रूम की उस लड़की को प्लेट लेकर बाहर भेज दिया। 290 लाइफ सोर्सेस। उस लड़की ने धीरे से रॉबिन की बोली पढ़ी। रॉबिन की बोली सुनते ही उस सफेद बाल वाले इंसान के चेहरे पर आई मुस्कान मुरझा गई और उसने चिढ़कर उस प्राइवेट रूम की ओर देखा जहां पर रॉबिन था। उसके बाद ही वो उठा और उसने एक और बोली लगा डाली, 300 लाइफ सोर्सेस। रॉबिन ने भी बोली लगाई, 305 लाइफ सोर्सेस, 350 लाइफ सोर्सेस। उस सफेद बाल वाले आदमी ने फिर से बोली लगाई। रॉबिन ने यह देखकर हल्के से अफसोस भरी सांस छोड़ी। उस आइटम की कीमत काफी जल्दी बढ़ चुकी थी, हालांकि वो अब भी उस रेड स्केल स्टील को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता था। उसने अपने हाथ तेजी से चलाए और प्लेट पर एक और कीमत लिखकर उसको उस लड़की के साथ बाहर भेज दिया। 360 लाइफ सोर्सेस। सफेद बालों वाला वो आदमी अब रॉबिन की ओर उसकी बोली लगते ही देखने लगा और उसके चेहरे पर रूखे हाव भाव आ गए। उसकी एसोसिएशन उसे ज्यादा से ज्यादा 350 लाइफ सोर्सेस खर्च करने की ही परमिशन दे सकती थी और अगर वो उससे ज्यादा की बोली लगाता तो उसे अपनी जेब से ही पैसे लगाने पड़ते। पहले ही अपनी एसोसिएशन में काम करके उसको कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था, तो फिर क्यों वो अपनी जेब से ही और भी पैसे लगाकर उसी एसोसिएशन के लिए चीज भी खरीदता। अब उस सफेद बाल वाले आदमी ने एक गहरी सांस ली और रॉबिन के रूम की ओर देखा, जिसके बाद ही उसने एक और बार बोली लगाने का फैसला किया। 365 लाइफ सोर्सेस। और रूम नंबर 11 वाले भाई, मैं ठोस जबड़ा एसोसिएशन का मुनीम हूँ। फिर से बोली लगाने से पहले तुम सोच लेना कि कहीं हमारे ठोस जबड़े एसोसिएशन को नाराज तो नहीं कर रहे हो। मैं अभी काफी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ। जब उस आदमी ने अपनी बात खत्म करी तो अपने चोगे को झटकार कर वो फिर से नीचे बैठ गया। फिलहाल पूरा ऑक्शन हॉल उसके इस अंदाज से शांत पड़ चुका था। ठोस जबड़ा एसोसिएशन आजकल कुछ ज्यादा ही अकड़ में आ गया है। प्राइवेट रूम नंबर 3 में बैठे एक अमीर जवान मास्टर की तलवार जैसी तीखी भौहें और तारों जैसी चमकीली आंखें थी। एक लंबी हरी तलवार उसके हाथ के पास रखी थी, जिसको उठाकर वो रूखेपन से बोल पड़ा, महानदी शहर एक कमर्शियल शहर है जिसे हमारे परिवार ने बनाया है। आखिर उसके सामने इस ठोस जबड़े एसोसिएशन की क्या ही औकात है। वो अमीर जवान मास्टर और वासिफ कहीं ना कहीं एक जैसे ही थे, बस फर्क इतना था कि एक की जुबान चिपकने वाली थी और एक की किसी चाकू की तरह तीखी। उन दोनों की परवरिश अलग अलग नजर आ रही थी। अब उस अमीर जवान मास्टर के पास ही बैठे एक बूढ़े आदमी ने सिर हिलाकर कहा, उस जबड़ा एसोसिएशन वाकई काफी अकड़ में आ चुकी है, लेकिन उनके पास एक ऐसा लीडर है जिसके पास शक्तिशाली ब्लड लाइन की ताकत है, और तो और उसके नाम का सिक्का तो बंजर जमीन के बाहर भी चलता है। हाँ, उसने अभी अभी ही अपनी ब्लड लाइन अवेकन करी है, इसलिए ही फिलहाल थोड़ा ज्यादा शाना बन रहा है। दूसरे प्राइवेट रूम्स के लोगों में भी अलग अलग तरह के चर्चाएं चल रही थी। अरे ठोस जबड़ा एसोसिएशन, हाँ, यहाँ पर आजकल काफी सारे पावरफुल फोर्सेस आ चुके हैं, लगता है सभी महानदी शहर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठोस जबड़ा एसोसिएशन, अरे आखिर इन्हें क्या लगता है कि ये बहुत बड़ी तोपें हैं। उधर प्राइवेट रूम नंबर 11 में रॉबिन थोड़ा परेशान हो गया और उसने सिर ऊपर करके सफेद यूनिफॉर्म पहने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ये ठोस जबड़ा एसोसिएशन की क्या ताकत है? उस लड़की ने अपने होंठ दबाए और थोड़ा डरते हुए कहा, सर ये लोग उन मेजर फोर्सेस का ही एक ग्रुप है जो अभी अभी ऊपर उठे हैं। उन्होंने एक शहर पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसा कहा जाता है कि उनका प्रेसिडेंट भी इतना ताकतवर है कि
किसी कमांड सेंटर के बड़े आसमान को सिर्फ अपने एक पंजे से ढक सकता है। अब वो कमांड सेंटर में भी इतनी बड़ी तोप है, रॉबिन ने सोचा और वो थोड़ा सावधान हो गया। एक मेजर कमांड पोस्ट और भी कई सारी छोटी छोटी कमांड पोस्ट को अपनी अंडर चलाती थी। हर एक कमांड पोस्ट पर ऐसे लोग थे जिनके पास बेशुमार ताकत थी और उनकी ब्लड लाइन्स भी अवेकन हो चुकी थी। वैसे तो रॉबिन के पास भी 10 जीन चेन की ताकत थी, मगर वो फिर भी फिलहाल अपनी ब्लड लाइन खोलने से थोड़ा दूर था। ऑक्शन हॉल हमेशा ही खुला रहता था और बिजनेस के मामले में ये बात ही उनमें से एक थी जो कि कस्टमर्स को काफी खटकती थी। हालांकि फिर भी उन्होंने ठोस जबड़ा एसोसिएशन को ये करने से नहीं रोका, जिसके पीछे कारण ये भी था कि ठोस जबड़ा एसोसिएशन दूसरों को नाराज नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ वार्निंग ही दे रहा था। उन लोगों ने भी इसलिए ही उस एसोसिएशन के ऐसे बर्ताव को झेल लिया था। आखिर कौन बेफालतू न्याय की मूर्ति बनकर खुद के शरीर को उन एसोसिएशन के लोगों के हाथों लाज बनवाता। लेकिन उधर रॉबिन अभी भी उस किताब में छपे रेड स्केल स्टील के फोटो को ही देखे जा रहा था। वो उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता था, आखिर ये उसके जेनेटिक वेपन का भी तो सवाल था। रॉबिन अब अपने दांत पीसने लगा, आखिर वो बस एक एसोसिएशन ही तो थी। वैसे भी वो महानदी शहर में तो नहीं ही रुकने वाला था, तो फिर क्या ये एसोसिएशन उसका शहर से बाहर दूर दूर तक भी पीछा करने आ जाती, वो भी सिर्फ उस मुट्ठी की साइज के रेड स्केल स्टील के लिए। रॉबिन ने अब अपना मन कठोर किया और प्लेट पर एक और नंबर लिखकर उस सफेद यूनिफॉर्म वाली लड़की को थमा दिया। जाओ, जल्दी जाओ और इसकी बोली लगा। इस लड़की ने चौंकते हुए हामी में सिर हिलाया, वो रॉबिन की हिम्मत से दंग रह गई थी। 370 लाइफ सोर्सेस। अब ठोस जबड़ा एसोसिएशन रॉबिन की इस बोली के बाद उसके साथ क्या करने वाला था? क्या रॉबिन ठोस जबड़ा एसोसिएशन के लोगों से निपट पाता? ऑक्शन की जगह बैठे लोगों का ये नजारा देख क्या रिएक्शन होने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर।